ट्यूटर मीटिंग शुरू की थी। शेयर के लिए लिंक ठीक है, परत कनेक्ट करना कहीं नहीं, पर मी शेयर के लिए मी दिलेल शेयर के लिए तुझे लिंक मी जी तुला पाठवली होती आणि इकडे मग तीच कनेक्ट केली होती तू। मीटिंग चालू आहे। मंडेश्वरीन जॉईन केलं होतं ना तिकडे, तिने जॉईन केलं होतं ना चामुंडेश्वरी। सी सेटच्या स्वतः बरोबर ते मी चेक केला होता ना, कारण आता वाकडा होता थोडा। गुड मॉर्निंग चामुंडेश्वरी जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैं भी मस्त। अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के, काफी दिनों बाद, यानी आवाज काफी दिनों बाद सुनी, आप बहुत दिन बाद आए ऐसा नहीं, पर आवाज काफी दिनों बाद इस पे सुनी क्या क्लास में कल फोन पे सुनी, आज क्लास में बहुत दिन बाद सुनने मिली। हाँ, उनको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, ये चामुंडेश्वरी जी इन लोगों को भी अच्छा लगा आपको सुन के काफी टाइम बाद तो ये स्क्रीन एक मिनट, आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी ऑनलाइन? यस यस, चलो आवाज क्लियर है इधर भी। चलो बहामनी किंगडम पढ़ेंगे सबसे पहले, बहामनी और मराठा, और फिर हम आज मेडिवल हिस्ट्री को खत्म करेंगे। बहामनी किंगडम जो है, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि ये एम्पायर जो है बहामनी, ये कहीं ना कहीं विजयनगर के ऊपर, जो हमने देखा था विजयनगर नीचे था, विजयनगर के ऊपर बहामनी किंगडम देखने मिलता है, और फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुगल ये सब लोग थे बाद में। तो बहामनी बहुत पहले का है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एक रूलर था तुगलक में से, उस तुगलक वाले रूलर का जो नाम था वो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त विजयनगर एम्पायर भी बना, और जो ये है बहामनी ये भी बना, बहामनी और विजयनगर दोनों बने मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त। तो मोहम्मद बिन तुगलक से ये सब हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं रहते तो शायद ये दोनों किंगडम नहीं बनते,
कभी ये भी हो सकता था या बन भी जाते, ये भी हो सकता था, कुछ बता नहीं सकते। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्रेडिट जाता है ये एम्पायर बनने के पीछे। जो एम्पायर बनाया गया, ये बहामनी किंगडम बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम हसन गंगू था, जैसे मैंने आपको बताया। हसन गंगू क्लेम द फ्रीडम, क्लेम द इंडिपेंडेंस, उसने बोला कि मुझे इंडिपेंडेंस होना। ऐसे नाम तो थोड़ा सा अजीब है, हसन गंगू। गंगू नाम पसंद है क्या आप लोग? गंगू गंगू ये थोड़ा सा नाम कठिन है। तिकड़े एक टेक्स्ट बुक है आणि माझं मार्कर, मार्कर आणि टेक्स्ट बुक प्रॉवर ये ठीक है। तो एम्पायर की अगर बात करें तो ये दो, बहामनी किंगडम और उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। हसन गंगू बहामनी ऐसा उसका नाम था, इसलिए उसने बनाए हुए किंगडम को बहामनी किंगडम कहा जाता है, क्योंकि हसन गंगू बहामनी ने बनाया हुआ किंगडम था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बहामनी किंगडम। देखा गया तो ये देवगिरी नाम की जगह थी, देवगिरी। मैंने आपको बताया भी है कि देवगिरी में क्या हुआ था, बताओ, पता होना चाहिए आपको। देवगिरी में क्या हुआ था बताओ फास्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, क्या हुआ था बताओ। देवगिरी, ये जो देवगिरी नाम की जगह, यहाँ पे कुछ तो भी हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त। इसका नाम था, किया था किसने? क्या हुआ था? दौलताबाद नाम की जगह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट किया था, दिल्ली से देवगिरी में, और देवगिरी का नाम दौलताबाद किया। याद आ रहा है नहीं? यानी क्या इसका मतलब क्या है? पढ़ाई नहीं की है, इसका मतलब है कि किसी ने, देवगिरी पता होना चाहिए। देवगिरी नहीं पता रहेगा तो आपका कनेक्शन नहीं बैठेगा मोहम्मद बिन तुगलक का और इसका। ये लाइन पढ़ो, ठीक है एक मिनट एनसीईआरटी दिखाओ। It appeared that Sultan wanted to make Devgiri a second capital so that he might be able to control South India better. For this purpose, he ordered many of his officers and leading men, including many Sufis, to shift to Devgiri, which was renamed Daulatabad. NCRT में भी दिया और यहाँ भी लिखा, दोनों जगह लिखा। यानी आपने NCRT पढ़ी नहीं है। दौलताबाद का यानी उसने कुछ तो गलत काम किए थे, वो तो भी एटलीस्ट पता ही रखना चाहिए आपको। मोहम्मद बिन तुगलक उसके गलत कामों के लिए पहचाना जाता है, जिसमें उसका एक्सपीडिशन था कराचिल का, जिसका जिसमें उसने देवगिरी में अपनी कैपिटल शिफ्ट की और फिर से वो वापस से कहाँ पे आया, दिल्ली में आया। ये सब ठीक है। तो अभी ये जो बहामनी किंगडम है, अब पता चला देवगिरी क्या है। पहले क्या था, देवगिरी का नाम तुगलक ने क्या किया था, दौलताबाद, और क्या किया था तुगलक ने,
कैपिटल को शिफ्ट किया था देवगिरी में, जब कैपिटल को शिफ्ट किया था तो उसने उस वक्त, इसलिए आपको वो पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको लाइन नहीं समझेगी कि वो टर्किश ऑफिसर था दिल्ली देवगिरी का, कैसे, क्योंकि देवगिरी पे कौन रूल करता था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर जो भी था वो टर्किश ऑफिसर था, देवगिरी संभालता था, ये ऐसा है, देवगिरी संभालता था। उसके अलावा अब जो यहाँ पे है, इन 1347 ही एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट बहामनी किंगडम। अब मुझे बताओ पहले विजयनगर बना कि बहामन, ईयर क्या है विजयनगर बनने का, ऑफिसर था जो इसके अंडर तुगलक, टर्किश था, टर्की, टर्की का था। टर्किश नाम था, टर्किश था वो, है ना, यहाँ पे लिया हुआ ना। तो ये जो है, अब ये दो चीजें आपने बताई, चलो अब मुझे बताओ मोहम्मद बिन तुगलक का समय क्या था, कल भी आपने बताया था इसलिए आज भी पूछ रहा हूँ। विजयनगर 1336 में बना, बहामनी 1347 में बना, तुगलक जो है वो 1325 से 51 के बीच में था। बनने का कारण दोनों यही था, दोनों इसी के समय बना, क्योंकि इसका रूल इन लोगों को पसंद नहीं आया, इन्होंने इसीलिए खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। पहले विजयनगर ने किया नीचे से, फिर बहामनी बोला मुझे भी करना, तो ये दोनों भी हो गए इंडिपेंडेंट, ये हो गया। इट्स किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल। चलो बताओ अरेबियन सी कौन से साइड आती है इंडिया की, वेस्ट साइड, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड, ये है। तो उसका जो किंगडम था, अगर इंडिया बनाया जाए इंडिया, तो इंडिया में विजयनगर ले लो, बहामनी ले लो। ये जो बहामनी है इसका स्ट्रेच यहाँ पे अरेबियन सी से लेके तो बे ऑफ बंगाल तक था, बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक पूरा स्ट्रेच था इसके किंगडम का। इतना ही नहीं तो इसके इसमें पूरा डेक्कन आता था, डेक्कन भी इसमें आता था, डेक्कन का पार्ट इसमें आता था, और डेक्कन होने के अलावा इसका डेक्कन वाला रीजन कहाँ तक, तो कृष्णा रिवर तक, और इसका कैपिटल गुलबर्गा था। कृष्णा नदी जो बहती थी वहाँ पे इसका आता था किंगडम, और गुलबर्गा इसका कैपिटल हुआ करता था। गुलबर्गा जो है ये कर्नाटक में आता है, कर्नाटक में गुलबर्गा इसका कैपिटल। बहामनी किंगडम इस तरह से बनाया गया जिसका स्ट्रेच इतना बड़ा है, डेक्कन का एरिया कवर करता है, कृष्णा नदी तक का पहुंचा हुआ एरिया है ये, और कृष्णा नदी के अलावा हम कहेंगे इसका कैपिटल गुलबर्गा में था, यानी कर्नाटक में इसका कैपिटल था। ऐसा किंगडम हसन गंगू ने बनाया था जिसको कहा जाता है बहामनी किंगडम। अब बहामनी किंगडम में जाने के बाद सबसे पहले इसके रूलर, पहला जो रूलर था उसका नाम था अलाउद्दीन हसन, ये नाम है बहामन शाह, ये इसलिए टर्किश, ये टर्किश नाम ही हसन गंगू, तो इसको कहा जाता था यहाँ पे इंडिया में हसन गंगू, बट ये व्यक्ति कहाँ का था, टर्किश, है ना, इसलिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ऐसा नाम था। 1347 से 58 के बीच में इसने रूल किया, लगभग 11 साल इसने रूल किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम विथ कैपिटल एट गुलबर्गा। दूसरा जो आया वो ताजुद्दीन फिरोज शाह आया, ताजुद्दीन फिरोज शाह दूसरा नहीं, इसके काफी बाद आया था, क्योंकि मैंने बताया सबको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसने हिस्ट्री में कुछ अच्छा काम किया उसी को पढ़ा जाता है। तो दूसरा अच्छा काम करने वाला व्यक्ति ताजुद्दीन फिरोज शाह था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने बहुत सारे हिंदुओं को एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था, ये मुस्लिम्स होके भी इनके इसमें हिंदू लोग बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम हिंदू करते थे, क्योंकि इनको पता था कि हिंदू लोग जो है वो बेटर जानते हैं इस देश को, इस जगह को, तो हिंदू लोगों को ही अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में रखेंगे तो ये अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम लोग तो बाहर से हैं तो ये लोग अच्छे से कर पाएंगे, हम टर्किश लोग, इसलिए इन्होंने हिंदू को भी रखा था। और पेड मच अटेंशन टू पोर्ट, पोर्ट यानी जो बंदरगे होते हैं बंदरगाह, उसको जहाँ पे शीप आना जाना करती है, क्योंकि इनका किंगडम ही दो समुंदर से घिरा हुआ था तो पोर्ट के तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा, सच एज चौल, दाबोर, ऐसे जो पोर्ट्स है ये, विच अट्रैक्टेड शिप्स फ्रॉम पर्शियन गल्फ एंड रेड सी, रेड सी से और पर्शियन गल्फ से यहाँ पे आते थे शिप्स, है ना। रेड सी आपको पता ही है कहाँ पे है, कहाँ पे रेड सी, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ठीक है। रेड सी कहाँ पे आती है,
यहाँ पे देखा तो ये बाल्टिक है, बताओ अब रेड सी कहाँ आएगी? 1, 2, 3 मैंने बता दी, अब आप बताओ कहाँ आएगा? और गल्फ ऑफ पर्शिया कहाँ आएगा? ये पर्शिया का गल्फ है, ये गल्फ ऑफ, ये गल्फ ऑफ पर्शिया और ये गल्फ ऑफ ओमान, ओमान का गल्फ ये है, ये मेडिटेरेनियन सी, ये कैस्पियन सी, ये अगर देखा गया तो ये ब्लैक सी, अब यहाँ पे आता है बाल्टिक सी, अब बताओ ये नॉर्थ सी, रेड सी कहाँ पे आएगा? दिख रहा है रेड सी, दिस वन, हाँ ये वाला स्वेज कैनल जो आएगा वो रेड सी, इधर ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ, यहाँ से शिप्स आती थी ऐसी, और ये शिप्स आके क्या करती थी वहाँ पे? व्यापार करती थी, तो व्यापार की शिप्स इनके पास आती थी। जो आपको गल्फ ऑफ, आप लोग मैप बुक्स वैसे रेडी रखते चलिए, ऑनलाइन वाले भी अपनी, आपको अगर देखने मिलेगा तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया पर्शियन गल्फ जो देखने मिल रहा है सऊदी अरब और ईरान के बीच में देखने मिलता है, उसके अलावा रेड सी जो होगा वो सऊदी अरब, इजिप्ट, सुदान इनके बीच में देखने मिलता है। ये है आपके दो जगह, यहां से होते थे व्यापार इनके समय पे, तो पर्शियन गल्फ और रेड सी ये जो आपको देखने मिलते हैं। उसके बाद आया अहमद शाह वाली, अहमद शाह वाली जो है ये 1422 से 1436 के बीच में, वाली नाम से ही पता चल रहा है कि रिलीजियसली इंक्लाइंड होगा, वाली ये नाम उसी को दिया जाता है जो रिलीजन के तरफ रखना झुकाव रखता है, अहमद शाह वाली एंड द फॉन्ड ऑफ सूफी सेंट्स, इसको बहुत पसंद थे, सूफीज़म के तरफ बहुत झुकाव रखता था, इसको सूफी सेंट बहुत पसंद थे, इसको टाइटल दिया गया था वाली, तो वाली जो होता है ये टाइटल दिया जाता है जो रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं उनको। उसने अपना कैपिटल गुलबर्गा से शिफ्ट किया था बिदार, बिदार नाम की जगह है वहाँ से, वहाँ पे गुलबर्गा से शिफ्ट करता है, जबकि हसन गंगू ने जब बनाया था तो गुलबर्गा कैपिटल था, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिहार एंड ख्वाजा बंदे नवाज करके है जिनकी डेथ 1422 में हुई थी, ख्वाजा बंदे नवाज ये जो है मोस्ट वेल नोन सूफी सेंट थे डेक्कन के, इज सपोज टू हैव बीन वन ऑफ द कॉज, जो भी ये जो उसने किया ना चेंज फॉर दिस, जो उसने चेंज किया क्योंकि ये इधर के थे बिदार के और इनको सूफी सेंट बहुत पसंद थे, जैसा अकबर ने फतेहपुर सिकरी में किया था, फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती थी तो उनका कैपिटल फतेहपुर सिकरी था अकबर का, वैसे इनका था क्योंकि ख्वाजा बंदे नवाज जो है ये बिदार में थे, इसलिए इसने गुलबर्गा से बिदार में अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, ये एक इसके पीछे का रीजन माना जाता है। काफी बार कैपिटल इसलिए शिफ्ट किया जाता है क्योंकि आपको एक्सपेंशन करना होता है, इफ आई वांट टू एक्सपैंड माय किंगडम टुवर्ड साउथ देन आई हैव टू शिफ्ट माय कैपिटल इन साउथ, तो मुझे ये करना पड़ेगा, देन मैं यही कहूंगा कि आई विल बी एबल टू कंट्रोल द होल साउथ और आई विल बी एबल टू एक्सपैंड माय किंगडम तो नीचे साइड। सो ये चीजें है, ये अगर आप कर पाओगे तो ही आप यहाँ पे पावरफुल माने जाते हो, अदरवाइज यहाँ पे उसने किया टू कंट्रोल साउथ मोहम्मद बिन तुगलक और उसको वापस दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि ये फेल हो गया ये चीज। तो यही सब चीजें यहाँ पे मानी जाती है अहमद शाह वाली की। उसके बाद जो आता है वो है मोहम्मद शाह थर्ड, मोहम्मद शाह थर्ड जो था वो 1463 से 1482 तक रहा। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद शाह थर्ड जो था वो सुल्तान जब बना तो उसकी एज सिर्फ 9 साल थी, 9 साल की उम्र में वो सुल्तान बना बहामनी का और मोहम्मद गवा उसका रिजेंट बना। जब भी कोई बच्चा बनता है तो एक रिजेंट होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था अकबर का, बैरम खान का। तो जब आप छोटे होते हो 18 साल के नीचे होते हो या फिर आपको समझ नहीं होती तो कोई रिजेंट रखना पड़ता है, वैसे ही रिजेंट मोहम्मद गवा नाम का एक इसका रिजेंट था जो इसके तरफ से रूल संभालता था। मोहम्मद गवा एक एबल लीडर था ही, बहुत अच्छा लीडर था और बहामनी किंगडम इसके वक्त बहुत पावरफुल था। मोहम्मद शाह थर्ड नहीं उसके पीछे, उसके पीछे मोहम्मद गवा जो है उसने कहीं ना कहीं ये किंगडम को स्ट्रांग बनाया था। मोहम्मद गवा डिफीटेड द रूलर्स ऑफ कोकन, कोकन के रूलर्स हारे, कोकन बहामनी में चले गया, ओडिशा बहामनी में चले गया, संगमेश्वर बहामनी में चले गया और विजयनगर के भी रूलर्स को हराने वाला मोहम्मद गवा बना। मोहम्मद गवा ने काफी सारे रूलर्स को हराया था, बट हराया जरूर था बट पूरा विजयनगर इनको नहीं मिला था, विजयनगर को मारने के पीछे तो बाकी फोर्सेस थे जैसे मैंने आपको बताया था गोलकोंडा है ना, या फिर और हाँ बिदार था, गोलकोंडा था, अहमदनगर था और हाँ ये तीनों गए, और बिदार, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, ऐसे
चार थे, ये चार लोगों ने अटैक किया था विजयनगर, ऐसे इनके अटैक थे। तो इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ये लोग कैसे खत्म हुए, खत्म होने में सबसे पहले कांस्टेंट वॉर चलता था बहामनी और विजयनगर के बीच में। ये दोनों लड़ते इसलिए थे कि किसका किसकी सुप्रीमेसी चलेगी, कौन पावरफुल बनेगा, इसलिए इन दोनों लड़ते रहते थे। और इनके जो सक्सेसर थे मोहम्मद शाह थर्ड के, वो बहुत वीक थे, कोई किस काम का नहीं था, सबके सब वीक लोग आके यहाँ पे रूल करने लगे। और बहामनी रूलर्स और फॉरेन नोबल्स के बीच में राइवलरी थी, बहामनी के जो रूलर्स थे और इनके कोर्ट में जो नोबल्स बैठते थे वो कहीं और से थे, वो लोगों को ये लोग पसंद नहीं करते थे और इनको ये पसंद नहीं करते, इसलिए नोबेल हमेशा ये पीछे रहते थे कि इनको खत्म कर दे, इनको खत्म कर दे। एक टाइम पे ये हुआ ही, ये कैसे खत्म हुआ, उनको आके मारा तो इन लोगों ने, बीजापुर ने मारा, गोलकोंडा ने मारा विजयनगर को, ठीक है, बिदार ने मारा, और बीजापुर ने मारा, बीजापुर तो होता जान, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर, है ना, ये चार अच्छे से याद रखने, चारों ने विजयनगर। अब ये चार निकले कैसे, इनके एम्पायर टूटा, जैसा दिल्ली सल्तनत से ये टूट के बने थे ना, वैसे इनके इसमें भी जो जो रूलर्स जो जो लोग थे ऑफिसर्स बड़े बड़े, उन्होंने क्लेम किया अपना इंडिपेंडेंस, वो बोले हमें बहामनी के साथ नहीं रहना, क्योंकि बहामनी के जो रूलर्स आए बात के, वो बहुत वीक थे, कमजोर थे, कमजोर होने के कारण ये बोला गया कि हमको कंटिन्यू नहीं करना आपके एम्पायर के साथ, इसलिए एक एक करके सब बाहर निकलने लग गए। उसमें सबसे पहले अगर देखा गया तो बेरार बाहर निकला, बेरार के रूलर ने बोला हमको आपके साथ नहीं रहना, और बेरार का जो फाउंडर था जिसने ये बोला हमको आपके साथ नहीं रहना, फतेह उल्ला इमाद शाह था, ये बाहर निकला 1494 में बहामनी से। 1489 में बीजापुर ने बोला हमको आपके साथ नहीं रहना, बीजापुर से यूसुफ आदिल शाह बाहर निकला, इसको आदिल शाह कहा गया, आदिल शाही। ये अहमदनगर बाहर निकला, अहमदनगर बोले हमको भी आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना, 1490 में अहमदनगर बाहर निकला मलिक अहमद करके। गोलकोंडा बाहर निकला, गोलकोंडा 1518 में बोल दिया कि हमको आपके साथ नहीं रहना, कुली कुतुब शाह। बिदार ने 1526 में बोल दिया हमको आपके साथ नहीं रहना, और आमिर अली बारी, ये लोग है जिन्होंने ये बोला था कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको इंडिपेंडेंस दे दो, ऐसे अलग अलग। इसी ईयर में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाद में ऊपर साइड, और इसी वक्त बिदार भी बाहर। अब हम कहेंगे कि ये चारों में से, आपको पता है ये चारों जब, ये सब पांच लोग जब बाहर निकले, तो इनमें से एक दो तीन चार इन्होंने मिलके किस पे अटैक कर दिया, विजयनगर पे, और इन सब ने मिलके अटैक किया और बोला कि अपन बांट लेंगे उस विजयनगर को, ऐसे ये लोग बने थे फाउंडर। इनके डायनेस्टी को कहा जाता है बेरार वाली डायनेस्टी इमाद शाही, बेरार, बेरार भी होगा बट बेरार का मेजर रोल नहीं था, सभी थे उसमें, मेजर रोल ये लोग थे, जैसे अपन बोलते ये सब और अदर्स, वैसे वाला काम है, बेरार भी पूरे आएंगे। अब फतह, फतहउल्ला इमाद शाह, इमाद शाही, यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही, ये नाम आते हैं जब आप शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ते तो, आदिल शाही, निजाम शाही, है ना, मलिक अंबर निजाम शाही, यानी अहमदनगर में निजाम शाही थी, बीजापुर में आदिल शाही थी, कुतुब शाही थी गोलकोंडा में, कुली कुतुब शाह के कारण कुतुब शाही, ठीक है, या निजाम कहा जाए इसलिए निजाम शाही, और आमिर अली बारिक इसलिए बारिक शाही। अब ये है एक दो तीन चार छह डायनेस्टीज, बाद में पूरी साफ हो गई, हाँ पांच डायनेस्टी, पूरे सबको साफ कर दिया मुगल ने, मुगल ने एक एक को अपने अंडर लिया। बेरार साफ हुआ, बेरार को अहमदनगर में समाग दिया 1474 में, अहमदनगर ने बीजापुर बेरार पे अटैक किया, बेरार हारा, बेरार बिकेम पार्ट ऑफ अहमदनगर गया। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पे अटैक किया, बीजापुर हारा, बीजापुर औरंगजेब के अंडर, बीजापुर खत्म, अहमदनगर पहले ही खत्म हो चुका था क्योंकि बेरार में, बेरार पहले ही खत्म हो चुका था क्योंकि बेरार कहाँ घुस गया था, अहमदनगर में। बीजापुर खत्म करने वाला व्यक्ति बना औरंगजेब, तो गोलकोंडा को, गोलकोंडा बोलता अहमदनगर पे अटैक करने वाला व्यक्ति शाहजहां था, शाहजहां ने 1633 में अहमदनगर पे अटैक किया था, और अहमदनगर इसके हाथ में गया, मुगल के हाथ, यानी अहमदनगर के साथ कौन गया, बेरार भी गया, क्योंकि बेरार तो इसके पास था, बेरार अहमदनगर दोनों शाहजहां के पास, बीजापुर औरंगजेब के, फिर गोलकोंडा, गोलकोंडा औरंगजेब ने फिर अटैक किया था 1587 में, गोलकोंडा औरंगजेब के पास, और बचा था बिदार, बिदार को बीजापुर ने 1610 में ही ले लिया था,
बीजापुर में, बेरार, बेरार बीजापुर में समाया, और बीजापुर किसने ले लिया? औरंगजेब। इसका मतलब औरंगजेब को बीजापुर के साथ बिदार भी मिला था, ठीक है। ईयर्स इसलिए आगे पीछे क्योंकि अपन ने ये ईयर्स के अकॉर्डिंग लिखा है क्रोनोलॉजी। ये मत समझना कि शाहजहां पहले आया बाद में औरंगजेब पहले आया फिर शाहजहां, ईयर्स देखो कौन कैसे समाया वो सिर्फ लिखा है। बट एक चीज है कि पूरे के पूरे कहाँ गए? मुगल के पास, पूरे मुगल के पास। ना निजाम शाही बची ना आदिल शाही बची। जिस वक्त मुगल एंटर हुए इंडिया में तो मुगल ने सबको अपने अंडर कर लिया, सबके सब हार गए पूरे। अकबर ने हाथ नहीं डाला था यहाँ पे, देखो औरंगजेब शाहजहां है, शाहजहां भी अकबर के बाद का, औरंगजेब भी अकबर के बाद। अकबर ने ये पॉलिसी इधर नहीं अपनी, अकबर ने ज्यादा अटैक्स नहीं किए थे, सुलह कुल पे था अकबर, इसलिए अकबर अकबर भी जीत सकता था इनको मार के, बट सुलह कुल था। अगर आप मेरे साथ बराबर रहते हो तो मैं आपके साथ, मेरे साथ रहो अच्छे से और मुझे यहाँ का रूलर मानो, बस मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, वो वॉर ही नहीं हुई है, ऐसा है पूरा बहामनी साफ। कितने टुकड़ों में बट गया था? पांच, और पांच के पांच किसके पास? मुगल के पास गया पूरा बहामनी। तो इस तरह से बहामनी चले गया। कुछ फैक्ट्स बहामनी के बारे में, दक्षिणी करके है, दक्षिणी, दक्षिणी एक भाषा थी। इब्राहिम आदिल शाह ने आदिल शाही डायनेस्टी कहा था जिसने दक्षिणी करके भाषा लाई थी। पूरे इंडिया में जहाँ पर्शियन भाषा चलती थी वहां इसके कोर्ट में दक्षिणी भाषा चलती थी, साउथ की लैंग्वेज थी दक्षिणी की, अलग लैंग्वेज है ये थोड़ी, जब साउथ यानी साउथ को बिलोंग करते हैं इसलिए दक्षिणी कहा गया है। दक्षिण यानी दक्षिण, दक्षिण यानी फिर साउथ की। गोल गुंबज बनाया है मोहम्मद आदिल शाह ने, विस्परिंग गैलरी है। इंडिया में जितनी मेन विस्परिंग गैलरीज जो है उसमें एक हम कहेंगे ये गोल गुंबज, और दूसरा है ये बिहार में है, मुझे याद अच्छे से नाम नहीं आ रहा उसका, बट ये जो विस्परिंग गैलरीज होती है इसमें आप एक कोने में फुसफुसा विस्परिंग करोगे, फुसफुसाओगे, विस्परिंग करना है ना, तो दूसरे कोने में सुनाई जाता है, ऐसा है गोल गुंबज। गोल गुंबज बहुत बहुत पहुंची हुई चीज़ है, यानी वो बना यानी किस तरह से बनाए जाते हो छोड़ दो, बट वहाँ आप कुछ भी फुसफुसाओगे तो पूरे गूंजती है आपकी आवाज़ पूरे बिल्डिंग में, पूरी इसमें। हाँ हाँ वैसे बनाया गया, और ऊपर उसके डोम भी बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, बहुत अलग ही बनाया जाता है उसको। गोल गुंबज है ये वाली बिल्डिंग, तो गोल गुंबज हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको देखने मिलता है, वो बनाया है मोहम्मद आदिल शाह ने, आदिल शाह ने बनाया। गोलकोंडा का किला है हैदराबाद में, अगर आप देखोगे तो हैदराबाद में जो गोलकोंडा का किला है वो कुली कुतुब शाह ने बनाया था, ठीक है। और वही हैदराबाद और चार मीनार को बनाया गया। हैदराबाद जो है उसका नाम भाग्यनगर था, इसको डेवलप करके अपने अकॉर्डिंग उसका नाम जो है हैदराबाद किया गया, और वहाँ पे चार मीनार बनाया गया, गेटवे जैसा चार मीनार। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ये किया था, जिसने सिटी ऑफ हैदराबाद बनाया था जिसको ओरिजिनली भाग्यनगर कहा जाता था। ही ऑल्सो बिल्ट चार मीनार देयर एट हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार भी है और भाग्यनगर। तो इस तरह की हिस्ट्री हैदराबाद की। अब हैदराबाद के पास जो रहते हैं वो चामुंडेश्वरी जी है, वो चार मीनार को शायद अच्छे से देखे होंगे, चार मीनार बाकी आप लोगों ने भी देखा होगा। नागपुर से ज़्यादा दूर हैदराबाद नहीं है वैसे। हाँ चाहे मैं गया हूँ हैदराबाद नागपुर से बहुत पास में, मैं तो दो बार गया हैदराबाद, वो भी बाय रोड दोनों बार। तो आप हैदराबाद से कितना दूर रहते हैं चामुंडेश्वरी जी? 100 किलोमीटर पे उनका, और अपन रहते हैं 450 किलोमीटर पे अपन हैदराबाद से। तो हैदराबाद जो है वो कुली कुतुब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये कुछ फैक्ट्स है बहामनी के बारे में। ये सब लोग बहामनी से ही निकले थे आखिरकार, जो भी होंगे, कुतुब शाह होंगे, निजाम शाह होंगे, आदिल शाह होंगे, सबके सब बहामनी से निकले हुए लोग थे, ठीक है। तो ये बहामनी वाले पूरे लोग आपको देखने मिलते हैं। इस तरह से ये बहामनी किंगडम था जो बाद में टूट गया। तो बहामनी और विजयनगर एक दूसरे के ऊपर नीचे रहने वाले किंगडम्स दिखते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जब आप मराठा पढ़ते हो, मराठा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखा गया तो बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, बाकी एंग्लो मराठा वॉर पे आपको आते हैं मराठा से क्वेश्चन। मराठा की अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो शिवाजी महाराज ने जो मराठा बनाया था उनके लिए एक किताब हमेशा जानी जाती है। मैं तो एक ही किताब पढ़ता हूँ शिवाजी महाराज की पढ़नी है तो, ये चौथी की किताब है ना, ये मेरी एक फेवरेट किताब रही है बचपन से, और मैं हमेशा मेरे पास रखता हूँ।
इस पे मैंने सब मार्किंग अंडरलाइन में अभी भी इस पे काम करते रहता हूँ जब भी मेरी इच्छा होती है, यहाँ पे आंसर्स भी लिखता हूँ, बचपन की याद आती है ये करने के बाद। तो आज भी मैंने इस पे पूरे काम करके रखे हुए हैं आंसर आंसर छोटे मोटे। अभी उस वक्त के आंसर लिखने में भी बहुत मजा आती है। रिस्टोर द टेम्पल ऑफ कृष्णेश्वर विद जागीर बेस्टोर्ड अपॉन मालोजी राजा निजामशाही, जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे परगना, ये मैंने लिख के रखे। हु फॉट ब्रेवली टू सेव निजामशाही, शाहजी एंड अंबर, तो ये सब मैंने ऑनलाइन वाले तो ये बहुत अच्छे रहते थे। ठीक है, तो ये मजा आती है ये पढ़ने में। तो आपको अगर कभी शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़नी है तो ये किताब सबसे अच्छी किताब है। स्टेट बोर्ड की किताब है महाराष्ट्र के, अब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के रहे इसलिए फिर महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड की किताब आपको अच्छे से नॉलेज देती है। स्टेट बुक का नाम है शिव छत्रपति क्लास 4, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, जो स्टेट बोर्ड वाले उन्होंने पढ़ी होगी। तो ये मराठा एम्पायर को बनाने वाले व्यक्ति थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की अगर बात की जाए तो शिवाजी महाराज के जो फादर थे वो भी काफी स्ट्रांग थे, वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, यानी हम कहेंगे ये शाहजी राजे। बट शिवाजी महाराज ने जो बनाया था वो इंडिपेंडेंट किंगडम खड़ा किया था। शाहजी महाराज जो है वो शाहजी राजे किसी के अंडर काम करते थे, बट शिवाजी महाराज इसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको बताता हूँ छोटी मोटी इसमें के किससे शिवाजी महाराज का चाइल्डहुड दिया बहुत खास तरीके से लिखा जाता है। उसके पहले उनके फादर के बारे में, इज द फादर ऑफ शिवाजी महाराज शाहजी राजे। शाहजी महाराज जो है फादर ऑफ शिवाजी महाराज जो आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि इस किताब में लिखा है, आपको बताता हूँ। निजाम शाह, अब आपने निजाम शाह कौन है आपको पता है, ठीक है, निजाम शाह के अंडर काम करते थे शिवाजी महाराज के फादर। निजाम शाह ट्रांसफर्ड टू शाहजी राजे द जागीर जो इन्होंने मालोजी राजे को दी थी। मालोजी राजे और विठोजी राजे जो है ये ब्रेव मराठास थे उस वक्त के, और मुगल एम्पायर ऑफ दिल्ली जो है उन्होंने अटैक किया था निजाम शाही, और दौलताबाद वॉज देन कैपिटल ऑफ निजाम शाह का कैपिटल दौलताबाद था। तो एक उनको स्ट्रॉन्ग रूलर दिखे, स्ट्रॉन्ग एक और मराठा दिखे जिनका नाम शाहजी राजा था। तो शाहजी राजे को यह टास्क दिया गया कि आप हमारी जागीर संभालो। जागीर कैसे मिलती है आपको पता है, जागीरदार बनाया जाता है ना, जो जमीन होती है वो आपको दी जाती है, कैश में पे नहीं करेंगे, आपको जमीन दे देंगे एंड यू आर वर्किंग फॉर निजाम शाह। शाहजी राजे उसके लिए काम करते थे। द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निजाम शाह। अब क्या हुआ कि निजाम शाह को हराने की कोशिश किसने की, मुगल ने की, और निजाम शाह के जागीरदार कौन थे, शाहजी राजे। अब होता क्या है, उन्होंने एक अलायंस बनाया आदिल शाह ऑफ बीजापुर के साथ। फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। मलिक अंबर और शाहजी राजे फॉट ब्रेवली टू सेव निजाम शाह, यानी आदिल शाह के साथ मुगल ने एक अलायंस बनाया, और किस पे अटैक करने वाले थे, निजाम शाही पे। निजाम शाही पे जब अटैक होने वाला था तो दिस बैटल टुक प्लेस एट अहमदनगर के पास। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल। शाहजी राजे डिस्प्लेड अ ग्रेट वैलर, ही वॉज प्रेस्ड एवरीवेयर एज अ ब्रेव जनरल। उन्होंने देखा उनका रेपुटेशन बहुत बड़ा, बहुत ब्रेवली लड़े। और मलिक अंबर जो होता है वो उससे उनसे जेलस होने लगा। मलिक अंबर ये भी वैसा ही था, जागीरदार निजाम के साथ, और ये भी थे निजाम शाही के साथ। शाहजी बहुत ब्रेवली लड़े, उन्होंने एम्पायर को बचाया भी, बचाने में पूरा अपना योगदान दिया, और ये मलिक अंबर उनसे जलने लगा। अब उनके खिलाफ साजिश रची गई, और साजिश के चलते जब शाहजी राजे ने देखा कि निजाम शाही में अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन्होंने निजाम शाही छोड़ दी। शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी, उन्होंने आदिल शाह को ज्वाइन किया जो बीजापुर में था। तो ही ज्वाइन आदिल शाही, निजाम शाही को छोड़ के। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल सर लश्कर, उनको चीफ ऑफ आर्मी बना दिया आदिल शाह ने। आदिल शाह बोले कि आप जैसे व्यक्ति को तो बहुत बड़ा पोस्ट मिलनी चाहिए, निजाम शाही ने आपको पोस्ट नहीं दी, मैं आपको पोस्ट दूंगा। उनको आर्मी का चीफ बनाया जाता है। बाद में देयर वर मेनी डेवलपमेंट इन निजाम शाही। द वजीर मलिक अंबर डाइड, फिर मलिक अंबर जो था वो निजाम शाही के साथ था, मलिक अंबर की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद निजाम शाही जो है ये डिक्लाइन होने लगी, और there was a threat of Mughal aggression. So Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raja to return to Nizam Shah. और Nizam Shah डूबने लगा। तो Shahaji Maharaj को Nizam Shah के mother, जो ruler है उसके mother ने request की कि आप please हमारे Nizam Shahi में आके Nizam Shahi को बचाइए Shahaji Raja. और Shahaji Raja left Adil Shah and returned to Nizam Shah.
तो शाहजी राजे एक जगह स्टेबल नहीं दिख रहे थे। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा। उनके जो बेटे वो काफी महान बेटे रहे, और ऐसे महान बेटे के लिए उनके फादर भी काफी महान होंगे, तभी शिवाजी महाराज भी इतना सब हासिल कर पाए थे। तो क्रिटिसाइज करने की बात नहीं, बट ही वॉज नॉट स्टेबल एट दैट टाइम। और ये चीज जीजाबाई जो है वाइफ ऑफ शाहजी राजे, उनको पसंद नहीं थी। इसलिए ही वॉन्टेड हिज सन शिवाजी महाराज कि तू अपना इंडिपेंडेंट रूल बना, किसी के अंडर काम तू नहीं करेगा। जो तेरे फादर का हाल हो रहा है वो तेरा नहीं होना चाहिए। तेरे फादर ब्रेवली लड़ते, बट किसके लिए? किसी और के लिए। वो लड़ते हैं, मिलता निजाम शाह को, मिलता आदिल शाह को, तो वो स्टेबल नहीं दिख रहे थे। तो हम कहेंगे कि शाहजी राजे ने एक रिक्वेस्ट पे आदिल शाही छोड़ दी और फिर से निजाम शाही ज्वाइन कर। उसके बीच फिर आता है अगले इसमें आपको शिवाजी का चाइल्डहुड। शिवाजी महाराज जो होते हैं, दोज वर अनसेटल्ड डेज ऑफ शाहजहां जो है नॉर्थ में था उस वक्त। एक अनसेटल्ड दिन चल रहे थे, दिन अच्छे नहीं थे उस वक्त, स्टेबल नहीं थे। शाहजी राजे को खुद स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। ऐसे में शाहजहां जो है वो नॉर्थ में रूल कर रहा था, एंड शाहजहां डिस्पैच्ड अ बिग आर्मी टू कॉन्कर डेक्कन। मैंने आपको बताया अभी, शाहजहां जो है खुर्रम, वो डेक्कन के नीचे डेक्कन साइड चढ़ाई करना चाहता था, नीचे साइड आने वाला था, तो डेक्कन के तरफ वो आने वाला था। एंड पुणे द प्रिंसिपल टाउन ऑफ शाहजी राजे जागीर वॉज बर्न्ड ऑन द ग्राउंड बाय आदिल शाह ऑफ बीजापुर। और जो पुणे जो जागीरदारी मिली थी ना शाहजी राजे को, उसमें के सबसे मेन शहर पुणे था, और पुणे को साफ करने की कोशिश की थी किसने? आदिल शाह ने। शाहजी राजे वॉज इन रियल ट्रबल। शाहजी राजे फंस चुके थे, पुणे हाथ से निकल रहा था। He founded himself between devil and deep sea and was constantly on the run. और शाहजी जो है वो यहाँ से वहाँ करने लगे। उस टाइम पे जीजाबाई प्रेग्नेंट थी जब ये सब चल रहा था, शाहजहां का अटैक, आदिल शाह का अटैक, पूरा निजाम शाही जो है वो मुश्किलों से गुजर रही थी। पुणे के ऊपर अटैक कर चुका था आदिल शाह, और यहाँ पे इनकी वाइफ प्रेग्नेंट जीजाबाई। जीजाबाई जब प्रेग्नेंट थी तो यही था कि शाहजी को कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पे सेफ रहेगा और शांति रहेगी, ऐसे जगह पे ही मैं मेरे बच्चे का है ना जो भी जन्म है वो वहां पे हो सकता है, वहीं पे जीजाबाई उसको जन्म देगी। यहाँ जन्म देगी, यहाँ तो स्टेबिलिटी नहीं, यहाँ तो वॉर पे वॉर चल रहे। ऐसे वक्त उनको एक किले का नाम याद है, और वो किला जो था उसका नाम है शिवनेरी, शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी किला जो है वहां पे तुरंत जीजाबाई को शिफ्ट कर दिया जाता है। ही वॉज रिमेम्बर्ड द शिवनेरी फोर्ट एंड सेंट जीजाबाई देयर। शिवनेरी ये स्ट्रॉन्ग फोर्ट था, जुन्नार करके है पुणे में, जुन्नार वहां पे आपको पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये देखने मिलता है शिवनेरी का किला। स्टीप हिल्स पे है, चारों साइड में स्टीप हिल्स है और मैसिव डोर्स लगे हुए, बड़े बड़े डोर्स है शिवनेरी पे। अब स्टीप हिल्स होने के कारण क्या है चारों तरफ कि जल्दी शत्रु चढ़ाई नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरा बेटा सेफ रहेगा, यही पे यही शाहजी को लगा। शाहजी ने आखिरकार शिवनेरी पे इन लोगों को शिफ्ट किया, एंड उन दोनों को छोड़ के द स्ट्रॉन्ग फोर्ट वॉज देन इन चार्ज ऑफ विजयराज, रिलेटिव ऑफ भोसले, भोसले के रिलेटिव के अंडर था, इसलिए वो फोर्ट उनके ही रिलेटिव का था। एंड ही एग्रीड टू गिव प्रोटेक्शन टू जीजाबाई, और वो भोसले का जो रिलेटिव था उन्होंने बोला कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा आपके वाइफ को, आपके होने वाले बच्चे को। और शाहजी राजे जो है वो थोड़ा सा चैन से निकल पड़े, थोड़ी चैन की सांस ली उन्होंने, और वो वहां से निकले मुगल के अगेंस्ट वॉर लड़ने, निजाम शाही के तरफ से मुगल के अगेंस्ट वॉर लड़ने शाहजी निकल पड़े। अब ये वो दिन थे, एक दिन आता है जैसा कि 19 फरवरी 1630, इस दिन पे किसको जन्म दिया गया? शिवाजी महाराज का 1630 को उनका जन्म हुआ। अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिखे, अलग अलग डेट्स लिखी गई है, क्योंकि कोई तिथि के हिसाब से देख रहा है कोई कुछ, तो शिवाजी जयंती के डेट कोई तिथि के हिसाब से अलग आती है और अपने कैलेंडर के हिसाब से 19 फरवरी बताई जाती है, बट बहुत से लोग 19 फरवरी मानते नहीं है, तो डेट्स वो कुछ नहीं है, डेट्स का हमें कुछ नहीं करना है। आगे हम आते हैं, तो ये देखा गया तो शिवाजी का जो चाइल्डहुड था उसमें पहले 6 साल की लाइफ बहुत अनसेटल्ड थी। पहले 6 साल में शिवाजी महाराज कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उनकी मदर उनको सिखाते रहती थी घर बैठे बैठे। जीजाबाई
तो जीजा भाई जो है उन्होंने पर ध्यान दिया हमेशा शिवाजी महाराज के एजुकेशन के तरफ। शिवाजी महाराज जो है उनको सिखाया खुद किसने? जीजाऊ या फिर हम कहते हैं जीजाबाई ने। और ये चलते रहा और उनको बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग सिखाते थे। किसके? तो ज्ञान देव, है ना, जो हम कहते हैं ना ज्ञानेश्वर, या फिर एकनाथ, नामदेव, पूरे संत लोगों के। शिवाजी महाराज बहुत, ये जो संत लोग हैं इनके बहुत बड़े फॉलोअर थे। शिवाजी महाराज ऊपर बढ़ते गए और बढ़ने के बढ़ते बढ़ते शिवाजी महाराज, अब होता क्या है कि उनके बचपन के जब दिन शुरू थे, देखो बहुत अच्छी एक बात है, देखो चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज केम टू प्ले विद शिवाजी। गरीब गरीब घर के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने आते। समटाइम्स ही विजिटेड इन देयर हर्ट्स, कभी कभी ये उनके झोपड़ी में भी चले जाते थे शिवाजी महाराज, और उनके साथ सिंपल मील खाना पसंद करते थे जिसमें ओनियन और भाकरी लिखा है, कांदे भाकर, जो एक वो लोग इतना ही अफोर्ड कर सकते, शिवाजी महाराज वो भी खाते थे। तो शिवाजी महाराज को ये सब आदतें पहले से थी, नॉर्मल खाना खाने की, सिंपल लाइफ जीने की। तो दे इन्वेंटेड इंटरेस्टिंग गेम, जैसे चिल्ड्रन ऑफ दी, ये जो चिल्ड्रन से वर लाइक बर्ड इन फॉरेस्ट, उनको बर्ड पसंद थी, तो दे वुड इमिटेट द साउंड ऑफ कुकू, कुकू की आवाज निकालना, पैरट की आवाज निकालना, टाइगर की आवाज निकालना, परफेक्शन के साथ ये लोग सीख चुके थे। ये जब सीखे तो देयर पास्ट टाइम वॉज बिल्डिंग स्मॉल फोर्ट्स, अर्थ पे छोटे छोटे किले बनाते थे ये लोग, और वहां पे हाथी और घोड़े बनाते थे मिट्टी के, और उससे खेलते रहते थे। तो यही शिवाजी महाराज ने रियालिटी में किया बड़े होके, फोर्ट्स, हाथी, घोड़े, बचपन में गेम्स खेला करते थे। शिवाजी ज्वाइन देम इन ऑल देम ऑल दिस गेम्स, और ये गेम्स शिवाजी के वक्त से पॉपुलर हुआ। चाहे दिवाली के समय किला बनाना हो, ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि शिवाजी महाराज अपने बचपन में किले बनाया करते थे, तो इसलिए फिर किले बनाए जाते। शिवाजी महाराज ने पॉपुलर किए हुए गेम्स है इससे, जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं अभी दिवाली में किले बनाते ना लोग छोटे छोटे, वही सब चीज है मिट्टी के। शाहजी राजे का क्या हुआ? शाहजी राजे निजाम शाही में रिटर्न हुए, उनको रिक्वेस्ट की थी जैसे वैसे, एंड बट ही डिड नॉट गेट एनी पीस ऑफ माइंड देयर, उनको शांति नहीं मिल रही थी दिमाग को। निजाम शाह जो है वो खुद ही उल्टे दिमाग का व्यक्ति था, हु रेडिली बिलीव्ड ऑल गॉसिप, जो भी गॉसिप होती थी ना, लिखा है हिमसेल्फ वॉज फिकल माइंडेड पर्सन एंड रेडिली बिलीव्ड ऑल गॉसिप, जो भी चलती थी गॉसिपिंग उसको विश्वास भी रखता था। इसलिए बहुत सारी चीजें थी, इस कारण लखुजी राव जाधव ओपनली कोर्ट में मार दिए गए थे, बड़े बड़े मराठाओं को कोर्ट में मार देता था निजाम शाह इधर उधर की बातें सुन के। तो शाहजी राजे को ये चीजें पसंद नहीं आ रही, तो उन्होंने निजाम शाही छोड़ दी एंड ही ज्वाइंड मुगल्स, उन्होंने डायरेक्ट मुगल को ज्वाइन कर लिया। इसका जैसे स्विच करते ना अपन जॉब, वैसा चल रहा था यह खेल। पहले थे निजाम शाही, निजाम शाही से आदिल शाही, आदिल शाही से निजाम शाही, निजाम शाही से अब मुगल, एंड ज्वाइन मुगल्स। शाहजहां द मुगल, सॉरी सॉरी, हाँ शाहजी राजे एंड ज्वाइन, शाहजहां उस वक्त मुगल एम्परर था जब इन्होंने ज्वाइन किया, मेड हिम सरदार एट हिज कोर्ट। शाहजहां ने बोला हमारे कोर्ट में शाहजी राजे को सरदार बनाया जाता है, और शाहजी राजे बिकेम सरदार ऑफ मुगल आर्मी। ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे थे बट इधर से उधर, इधर से उधर। ये चीजें जीजा भाई को पसंद नहीं थी कि ये जो कर रहे हैं ना वैसा मेरा बेटा करे, वो उनको पसंद नहीं था, इतना अनस्टेबल, कहीं भी पीस ऑफ माइंड नहीं। अब यहां जाने के बाद क्या हुआ? सीक्रेटली ज्वाइनिंग हैंड विद मुगल्स, फतेह खान किल्ड निजाम शाह। सीक्रेटली ये किया और फतेह खान ने निजाम शाह को मार डाला। देयर वॉज कंप्लीट एनार्की इन द स्टेट। निजाम शाह मर गया और बिना रूलर का पूरा स्टेट हो गया निजाम शाह वाला। सो यहाँ पे कहा जाता है कि इन रिटर्न मुगल रिवॉर्डेड हिम विद द टेरिटरी अंडर शाहजी, अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजा। इसने बहुत बड़ा काम किया था, सीधा निजाम शाह को मार डाला था, किसने? फतेह खान ने। तो मुगल ने क्या किया, शाहजी राजे को जो टेरिटरी दी थी ना वो टेरिटरी फतेह खान को दे दी। फतेह खान को बोले भाई तूने बहुत बड़ा काम किया, ये जो टेरिटरी शाहजी राजे को दी है इस पे तेरा हक है, ये तेरी टेरिटरी। ये चीज शाहजी राजे को पसंद नहीं आई, सो ही लेफ्ट मुगल्स। ही डिसाइडेड टू टीच देम लेसन, और बाहर निकले और बोले इनको तो मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसा हाल होता है तो फादर की गलतियों से भी बेटा सीख सकता है कि मैं वैसा नहीं करूंगा जो मेरे फादर ने किया। अब क्या हुआ, ये निकले इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल द मुगल एम्परर वजीर फतेह खान, शाहजी राजे फाउंडेड आउट अ चाइल्ड हियर
from Nizam's family, and on the fort of Pemgiri near Junar, Junar declared him as a new Nizam Shah. एक बच्चा बच्चा था छोटा निजाम शाही में, उस बच्चे को उठाया और बोले कि आज से निजाम शाही फिर से बनाई जाती है और ये है नया रूलर निजाम शाह का। छोटा बच्चा बन गया। छोटा बच्चा बनने के बाद शाहजी राजे जो होते हैं वो ये न्यू स्टेट्स को बचाने लगे। आदिल शाह पहले इन पे अटैक करते रहा, बाद में मुगल एम्परर शाहजहां ने भी इन पे अटैक किया और ये सब हुआ और शाहजी राजे जो होते हैं वो फाइट करते रहे, ठीक है। Now began to fight the joint forces of Mughal और आदिल शाह, दोनों मिलके इन पे अटैक करने लगे, भिड़ गए दोनों, खत्म कर देंगे निजाम शाही। हाँ हाँ, क्योंकि निजाम शाही थी, इनको लगा अब निजाम शाही खत्म हो गए तो इनको मिल जाएगा एरिया पे। शाहजी आके बैठ गए एक बच्चे को लेके, वो होने के कारण इन दोनों एक हो गए, मुगल और आदिल शाह, दोनों ने अटैक कर दिया निजाम शाही पे और वहां पे थे शाहजहां, शाहजी है ना, शाहजी थे। तो अनविलिंगली सरेंडर टू द मुगल्स इन 1636, वो सरेंडर कर, बहुत बड़े अटैक हुए, शाहजी राजे भोसले सरेंडर्ड, एंड सरेंडर करने के बाद वो खुद का किंगडम बनाने की जो इच्छा रखते थे वो बने नहीं, बट उनके जो डेयरिंग स्पिरिट, काइंडल्ड कॉन्फिडेंस जो था, उन्होंने जो भी किया उस कारण मराठी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा कि शाहजी राजे ने जो किया कोशिश कि वो खुद का एक एम्पायर बनाएंगे वो नहीं कर पाए, बट हम ऐसा करने देंगे और ये चीजें स्वराज्य एस्टैब्लिश करने में मदद की, किसकी, शिवाजी महाराज की। यही चीजों से शिवाजी महाराज सीखे थे। जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक, ठीक है। तो निजाम शाही जब गिरी और ये टेरिटरीज जब डिवाइड हुए तो शाहजी राजे की जो जागीर थी पुणे की, सूपे की, वो आदिल शाह के शेयर में चले गए, पुणे चले गए आदिल शाह के। तो उसने क्या किया, He gave it to शाहजी राजे on his behalf. उसने बोला मैं नहीं संभालता शाहजी राजे, आप बहुत अच्छे हो, फालतू निजाम शाही में गए थे, है ना, आप अच्छा संभालते हो पुणे, आज पुणे मेरे हाथ लगा है क्योंकि मैंने और मुगल ने जो टेरिटरी आपकी जीती उसे हमने बांट लिया, पुणे मेरे पास है, बट मैं चाहता हूँ पुणे और सूपे मैं नहीं संभालूंगा, पुणे और सूपे नाम की जो जगह है वो आप संभालोगे। शाहजी के हाथ में पुणे मिला, शाहजी के हाथ में जब पुणे मिला और उन्होंने बोला कि जो भी ये है ना कर्नाटक उसके ऊपर चढ़ाई करो जो पुणे से थोड़ा दूर है, शाहजी राजे ने शिवाजी और जीजाबाई को कर्नाटक ले गए अपने साथ में और एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुणे जागीर का वो दिया गया दादाजी कोंडदेव के हाथ में। दादाजी कोंडदेव नाम सुना होगा, शिवाजी महाराज को सिखाया था दादाजी कोंडदेव, उनके गुरु थे, एक उनके रॉयल सर्वेंट थे। अब ये सब चीजें चली, ठीक है, फिर शाहजी राजे कर्नाटक में रहे, फिर शिवाजी की पढ़ाई हुई, सब हुआ, सब कुछ अच्छे से चला, बट गड़बड़ क्या हुई, ये दोनों फिर पुणे में आए, सब कुछ हुआ, फिर शिवाजी महाराज और जीजाबाई पुणे में आए और शिवाजी महाराज को याद आते थे अपने शिवनेरी में बिताए हुए दिन, शिवनेरी के किले में। वो होने के बाद सह्याद्री को देख के बहुत खुश होते थे, क्या पहाड़ ही पहाड़, सब चीजें उनको बहुत फेमस, बहुत पसंद आने लगी। जब वो वहां पर रहते थे तो शिवाजी ने काफी सारी चीजें देखी, यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने यही सोचा कि मैं ये प्रॉब्लम्स को ठीक करूंगा और फिर धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ती गई। शिवाजी को जीजाबाई ने क्या सिखाया था पता है, उन्होंने शिवाजी जो है उनके टीचर खुद जीजाबाई थे, उन्होंने सिखाया था इनको क्या क्या सिखाया, जैसे हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, लड़ाई कैसे लड़ते, ये भी जीजाबाई को लड़ाई तक लड़ते आती, तलवारबाजी से लेकर हर चीज, ये सब सिखाया वो खुद। देखोगे तो जी भाई ये हम कहेंगे कि ये ट्रेडिशन ही चला है, जो मराठा लड़कियाँ थी वो ये चीज़ें ज़्यादातर जानती थी, वो क्लोजली देखती थी कैसे लड़ते हैं हमारे यहाँ के लड़के, तो ये सब सीखी हुई थी। अब ये हो गया, ये होने के बाद फिर आगे आगे उन्होंने देखी कंडीशन अच्छी नहीं है, पुणे की जागीर जो होती है वो शाहजी महाराज ने बोला कि बेटा मैं थोड़ा सा ध्यान रख के आता, अब तू बड़ा हो गया है थोड़ा सा, पुणे की जागीर तू संभाल, मैं इधर उधर थोड़ा जाके आता हूँ। शिवाजी महाराज ने बोला ऐसा है क्या, ठीक है, मेरे को तो सिखाया है पहले ही, मैं तो रहा देख रहा था इंतजार कब मेरे हाथ में लगता है ये जागीर। अब क्या होता है, पुणे जागीर नाउ केम अंडर द रूल ऑफ शिवाजी। शाहजी राजे हैड ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशन फॉर दिस। व्हेन शाहजी राजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई फ्रॉम बैंगलोर टू पुणे, उन्होंने एक पावरफुल प्रेस्टिजियस लोग भी उनके साथ भेजे थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को बहुत कुछ सिखाया। शिवाजी महाराज ने ये सब सीखा
और शिवाजी महाराज उस लायक बन चुके थे कि अब वो पुणे की जागीर संभाल सकते थे। शाहजी ने बोला पुणे की जागीर संभालो, अब मैं बाकी जगह ध्यान देता हूँ। और जागीर किसकी थी, किसका था ये एरिया? आदिल शाह। ये आया शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज किसी के अंडर काम करने से रहे? शिवाजी महाराज 14 साल के थे तो जीजाबाई को उनके शादी की चिंता सताने लगी। आखिरकार 14 साल में एट द एज ऑफ 14 जीजाबाई उनके लिए वाइफ ढूंढने लगी और उनको एक लड़की मिली जिसका नाम साईबाई। साईबाई के साथ उनकी शादी करा दी गई, निम्बाड़कर फैमिली की थी, उनके साथ शिवाजी महाराज की शादी हो जाती है। लाल महल नाम की जगह, वहाँ 14 साल की उम्र में शिवाजी महाराज की शादी हो। शिवाजी महाराज को शायद 6 या 7 या 8 कुछ वाइफ्स थी, उसमें से ये फर्स्ट साईबाई। मैंने बताया ना, रूलर की शादियाँ ना अलायंस होते। अब अकबर को एक से ज़्यादा वाइफ थी, शिवाजी महाराज को एक से ज़्यादा वाइफ्स थी, 6 7 8 कुछ वाइफ्स थी, अष्टमहल कुछ तो भी था उनका। वो तो अष्टदिग उनके इसमें ये तो थे ही, 8 मंत्री तो थे ही, अष्ट प्रधान मंडल, बट वाइफ भी कुछ 6 से 8 के बीच में थी उनको। ये सब रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिवाजी महाराज को हर इसमें मैं फॉलो करता तो शादी में भी फॉलो करूँगा, ये आज नहीं हो सकता, जमाना अलग था। शिवाजी महाराज ने ओथ ली किस चीज की पता है? स्वराज्य की शपथ, कि मैं अब से हर हर महादेव के नारे लगाए गए मराठाओं में, कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अब स्वराज्य बना के रहूंगा। स्वराज्य यानी अपना खुद का रूल, मेरा नहीं हम सबका रूल। वो जो लोग बाहर से आए हैं उनका रूल अब यहाँ नहीं चलेगा, सब बाहर के, जहां मेरे फादर भी काम करते हैं वो भी बाहर के, हम यहाँ पे जो बनाएंगे वो अपना रूल बनाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग रहेंगे। और आखिरकार ये सब चीजें शुरू हो गई और शिवाजी महाराज ने पहला कॉन्क्वेस्ट किया। पहला कॉन्क्वेस्ट तोरना किला, झुंझरमाची करके। यहाँ पे क्या करते, तोरना का किला था, शिवाजी क्या कर रहे थे, अब तोरना की फोर्ट पे शुरुआत होती है। एट द एज ऑफ 16 ही कैप्चर्ड तोरना फोर्ट। 16 साल में तोरना सीधा इनके अंडर। बहुत खतरनाक काम कर दिए शुरू शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज के पास थी पुणे की जागीर, सुपे की जागीर, चाकन और इंदापुर, ये सब जितने भी किले थे इस जागीर में वो पूरे के पूरे बीजापुर के हाथ में थे, आदिल शाह के हाथ में पूरे किले। अब क्या हुआ पता है क्या, कि किसी को ये किले की तरफ ध्यान ही नहीं थे। शिवाजी महाराज ने बोला किसको पता है ये तोरना का किला है, क्या किसी की नजर इस पे? बोले नहीं, चलो डायरेक्ट कर लेते चढ़ाई, सीधा तोरना पे गए, बोले तोरना अपना। आदिल शाह को समझ नहीं रहा, आदिल शाह को क्या लग रहा उसके हो रही है, उसके इस पे ध्यान रख रहे शिवाजी महाराज, वो पूरे किले शिवाजी महाराज के हो रहे थे। शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर वन एट वन सुटेबल टाइम एंड पर्पस, ही सिलेक्टेड द फोर्ट ऑफ तोरना। इट वॉज रिनोन्ड फोर्ट, वेल सुटेड फॉर डिफेंस। देर वर टू स्ट्रॉन्ग माचिस इन द वे ऑफ फोर्ट, अ माचिस फोर्टिफिकेशन, माची यानी फोर्टिफिकेशन होता है, झुंझर माची कहा गया था उसको। अब ये यहाँ गए और उसको जीत लिया। देखिए ये क्या हुआ, स्ट्रेंजली इनफ दिस पावरफुल फोर्ट वॉज नेग्लेक्टेड बाय आदिल शाह। आदिल शाह ये फोर्ट को नेग्लेक्ट कर रहा था और शिवाजी महाराज ने देखा इसकी जो लोकेशन है ये परफेक्ट है, शत्रु इसमें जल्दी घुस नहीं पाते, तो शिवाजी महाराज ने उस पर अटैक करके वो अपना कब्जे में ले लिया। वो कब्जे में चले गया और शिवाजी महाराज के पास इनफ ट्रूप्स फॉर इट डिफेंस नॉर इनफ एमिनेशन। शिवाजी न्यू दिस एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड। अब उनके पास क्या नहीं था पता है, उनके पास आर्मी जमानी थी और हथियार की जरूरत थी। शिवाजी महाराज के पास सब कुछ आ चुका था और यहां से फाउंडेशन शुरू हुआ तोरना किले से हिंदवी स्वराज का। उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया स्वराज और फिर बजने लगे बहुत ढोल ताशे, सब ढोल ताशे उसमें बजते शिवाजी महाराज के इसमें। फिर माँ भवानी जो है उनके ब्लेसिंग के साथ शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला जीतने के बाद फिर अपनी चीजें शुरू की। शिवाजी महाराज रुके नहीं, शिवाजी महाराज ने एक और एक बार वो एक पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो देखते देखते उनको कुछ ये तोरना किले पे, जब उन्हें तोरना किला जीता ना तो उनको वहां से कुछ खजाना हासिल हुआ था। उस खजाना का वो लेके उन्होंने मुरुमदेव करके एक जगह है वहां पे किला बना डाला और उसको नाम दिया राजगढ़, और राजगढ़ को बना डाला अपना कैपिटल रायगढ़। राजगढ़ भी है, राजगढ़ ठीक है, तो राजगढ़ पकड़ लो। अब आपके महाराष्ट्र में जो दिया है वो ज्यादा लेके चलना पड़ता है, ठीक है, रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला,
हाँ आ रहा होगा, बता दो उनको 11:30 तक आ जाओ बोलूँ। उन्होंने कैपिटल बनाया था राजगढ़ को अपना, राजगढ़ बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज। रायगढ़ का भी किला है उनके पास, रायगढ़ का किला अलग। हाँ राजगढ़ में फोर्टिफिकेशन किया था, और फोर्ट रायगढ़ जो है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली, वहां पे वो राजगढ़ का, रायगढ़ का किला जीते थे, रायरी फोर्ट, तोरना, तोरना जो पहला वो जीते थे। बस फिर यहां से चढ़ाई शुरू हुई, और सबसे खतरनाक चीजें सताने लगी किसको, आदिल शाह को। आदिल शाह सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं, पता नहीं ये शिवाजी को कैसे रोकूं, क्योंकि उनको क्या पता चल गया कि शिवाजी महाराज ने क्या कर लिया था, पता है शिवाजी महाराज, इनको पता चल रहा था कि एक एक फोर्ट जीतते जा रहे हैं। उन्होंने चंदनराव मोरे जो है उनसे जावली का जो फोर्ट है, जावली वहां का फोर्ट 1656 में कैप्चर कर लिया, एट द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ ही किल्ड अफजल खान, आदिल शाह जनरल। अब क्या उनको पता चल गया आदिल शाह को कि ये गड़बड़ है, शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, खुद का रूल बना रहे हैं। उनको लगा कि ये मेरी जागीर संभाल रहे शाह जी का बेटा, उनको जो लगा वो गलत हो गया, क्योंकि वहां जा जाके अपने ये है ना तिरंगे, वो तिरंगा नहीं सॉरी जो झंडे होते हैं स्वराज के, वो लगा भी जा रहे थे, और ये पूरे किले उनके दिख रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि इसको रोक, इनको रोकना चाहिए शिवाजी महाराज, आदिल शाह। आदिल शाह ने एक जनरल को भेजा, जनरल ऐसा था जो ऐसी सलाख को झुकाता था, ले बोले फेंक देता था, शिवाजी महाराज को मारेगा बोले तू। शिवाजी महाराज का अगला टारगेट था प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का किला जो महाबलेश्वर के में आता है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्रतापगढ़ के किले पे शिवाजी महाराज चढ़ाई कर चुके थे, इन लोगों ने बनाया प्लान। आदिल शाह ने भेजा किसको, अब आने वाला था अफजल खान। अब अफजल खान की बात बता दो आपको, बहुत अच्छा है। द खान एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड पिक्ड अप द बिटल लिप फ्रॉम द स्लेवर एज अ मार्क ऑफ एक्सेप्टेंस। शिवाजी, हु इज शिवाजी, सवाल देखो उसका। पहले क्या हुआ, उसने क्या कहा कि असेंबली बुलाई जाती है, और एक क्वेश्चन रखा गया असेंबली में कि कौन है जो शिवाजी को रोक सकता है, टेल मी हु इज विलिंग टू मार्च अगेंस्ट शिवाजी एंड एंड टू हिज रिवेलियन। सब लोग वहां पे आए हुए थे, कोर्ट में पूरे साइलेंट थे, कोई भी जो भी है ये उठाएगा सुपारी और बोलेगा कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज, एक्सेप्टेड द चैलेंज, ऐसा रखा था आदिल शाह ने। बताओ आप में से कौन है जो शिवाजी को के से लड़ने जाएगा, कोई भी नहीं, सब चुपचाप बोले उधर नहीं जाते, बोले वो डेंजर काम है उधर, सब शांत थे। ऐसे में आया एक बहुत ऊंचा और बहुत हेल्दी व्यक्ति, उसने उठाया और सवाल देखो, शिवाजी हुई शिवाजी, आई शाल अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग हिम द हियर, और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल आई शाल ब्रिंग हिज डेड बॉडी। एक तो उसको जिंदा, वो वाला उसने डायलॉग यहाँ मारा था, वो मार के शिवाजी बीजापुर से निकला। बीजापुर से निकलने के बाद वो वाई का सूबेदार था। अब क्या हुआ, शिवाजी महाराज रायगढ़ में थे, उनको ये पता चला कि अफजल खान मूवमेंट कर रहा है। अफजल खान जैसे मूवमेंट कर रहा है, उनको शिवाजी महाराज ने बोला कि अब हमारा स्वराज्य खतरे में है, चलो जल्दी से हमें आगे निकलना पड़ेगा। शिवाजी अब खान लर्न दैट शिवाजी हैड मूव टू प्रतापगढ़, और शिवाजी महाराज तुरंत प्रतापगढ़ के किले पे जाके चढ़ गए। अफजल खान को जैसा पता चला कि शिवाजी महाराज ऊपर पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ पे, अफजल खान ने यहां से जो सप्लाई थे उसको बंद कर डाला, आप ऊपर हो है ना, हाँ तो आप आप ऊपर थे, ऊपर होने के बाद आपको खाना और सब नीचे से आता था। इसने क्या किया अफजल खान ने इसको रोक दिया, बैठो बैठो 10 मिनट बस, इसको रोक दिया। रोकने के बाद शिवाजी महाराज को खाने का सप्लाई नहीं हो रहा था। अफजल खान ने क्या बोला था, शिवाजी को कैसे तोड़ूंगा पता है क्या, और इससे तोड़ डालूंगा ये पूरी रिब्स तोड़ डालूंगा ऐसे दबा के, या ऐसे सलाख झुका था ना, इतनी ताकत थी उसमें, आप सोचो 7 फीट के आसपास हाइट थी उसकी, शिवाजी महाराज इतने थे उसके, इतने इतने तो बोले वो ऐसा ही खत्म करता। अब ये शिवाजी महाराज इधर थे, अफजल खान यहाँ आके रुक गया, शिवाजी महाराज का सप्लाई बंद, सोल्जर्स कहाँ लाएंगे खाना, कुछ नहीं, सब रास्ते रोक दिए गए। फिर औरंगजेब अफजल खान ने बोला देखो कुछ नहीं, बातचीत कर ली,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अटैक करने, शांति से पहले बातचीत करनी है, क्या करना है क्या नहीं, समझौता करेंगे। अफजल खान ने काउंटर में जो भी हुआ, इससे क्या हो जाता है, प्रतापगढ़ पे चलने के बाद शिवाजी महाराज ने यहाँ पे देखा कि मीटिंग फिक्स डिसाइड की गई कि आप नीचे आओगे और मुझसे मिलोगे। वन डे ऑफ द मीटिंग शिवाजी विजिटेड भवानी का जो दरबार था, भवानी माता का जो मंदिर था, वहां पे गए और वहां पे उन्होंने क्या लिए, आशीर्वाद लिया। जब आप आगे जो भी होगा देख लेंगे क्या होगा। ये कुछ चीजें हैं, इसे चिलखत कहा जाता है, दैट शिवाजी महाराज जी, दिस इज भवानी, ये पट्टा है ना, ये जो है ये बिछुआ, ये साथ में रखा गया था, ये वाघनक था और ये हेलमेट था, इसको जीरे टोपे कहा जाता है। शिवाजी महाराज और अफजल खान इस तरह से मिले थे। शर्त ये थी कि आप मुझसे मिलने आओगे, ठीक है, आप मिलने आओगे और कुछ नहीं करना है, साथ में आर्मी लेके नहीं आना है, हमें वन ऑन वन बातचीत करनी है सिर्फ, साथ साथ आए मिलो बातचीत करो, आपका आप बॉडी गार्ड ला सकते हो एक दो, उससे ज़्यादा आर्मी लानी नहीं, आपको हथियार कैरी नहीं करना, राजे हो तो आप जो भी उतना सब रख सकते हो, जो रखा है ना कटियार जैसा होता है वो रख सकते हो। ये सब लेके पहुंचे शिवाजी महाराज, अफजल खान ने बोला आओ गले मिलो दोस्त शिवाजी। शिवाजी महाराज को पता था ये तो इतना शरीफ इंसान तो है नहीं कि मेरे को ये इतना इजीली ले रहा है, बस जैसे गले मिलो, और शिवाजी महाराज को पहले ही बोला था इस पे भरोसा नहीं करना, ये व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए शिवाजी महाराज ने पहले ही अंदर चिलखत पहन लिया था, आर्मर सब रेडी थे शिवाजी। जैसे ये पहुंचा बोले गले मिलो, इसने लिया और दबाया उनको, दबाई क्योंकि चिलखत पहन के आया है ना, बोले भाई गड़बड़ है, उसने निकाला खंजर, सीधा डाला पीठ में, गया ही नहीं अंदर। क्योंकि पहन के शिवाजी महाराज ने उतने में पहने वाघनख और पूरा डाल के फाड़ दिया पीछे से पूरे अफजल खान को, और अफजल खान वहीं पे साफ बोले बोलो अब क्या, अब आदिल शाह और टेंशन में, भाई अफजल खान गया अब तो अब बहुत मुश्किल है। फिर एक बार शिवाजी महाराज एक इस पे थे फोर्ट पे, पावन खिंड की एक लड़ाई जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे जो है उन्होंने पूरी खिंड रोकी थी, खिंड मीन्स पास, माउंटेन के बीच से जाने वाला छोटा सा पास। शिवाजी महाराज को जब इन्होंने घेरा तो ये उतने पास से निकल के दूसरे फोर्ट पे चढ़ने तक, वहां सेफ जगह पहुंचने तक ये लड़ते रहे, पूरी रोक के रखी थी खिंड, और बाद में ऊपर उन्होंने जब तोप मारी, उन्होंने बोला कि पहुंचने के बाद एक इशारा कर देना तोप मारना, मैं आवाज जब आ जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा आप पहुंच गए, फिर वो उन्होंने तोप मारी तो समझ गया कि पहुंच गए शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जान छोड़ दी, कितने सोल्जर्स को रोका था, दो पकड़े और सीधा मारना शुरू, जाओ कौन क्रॉस करता मेरे को, और इसीलिए बाजी प्रभु देशपांडे, इसीलिए फिर बाजी प्रभु देशपांडे के नाम पे उस खिंड का नाम पावन खिंड रखा शिवाजी महाराज, हाँ रामनगर चौक में जो है दो पकड़ के बाजी प्रभु देशपांडे थे। तो ये एस्केप हो पाए, शिवाजी महाराज वहीं पे फंस गए थे, यहाँ पे तो शिवाजी महाराज के जान को बहुत खतरा था, बहुत बड़ी आर्मी ने घेरा था, सबको रोका था बाजी प्रभु देशपांडे, बच गए। शिवाजी महाराज ने शैस्त्र खान को हराया। अब औरंगजेब बोले अब तो मैं सबक सिखा था, बोले शिवाजी महाराज, क्योंकि शिवाजी महाराज रुक ही नहीं रहे थे, अब मुगल को खतरा होने लगा शिवाजी महाराज से, क्योंकि औरंगजेब को नीचे आना था डेक्कन की तरफ, और शिवाजी महाराज ने डेक्कन रोक के रखा था, आपको पहले ही बताया मैंने, आया नहीं वो तब तक। उसने भेजा शैस्त्र खान को, शैस्त्र खान ने सीधा शिवाजी महाराज का जो महल है उस पर ही कब्जा जमा लिया। शिवाजी महाराज को दूसरा एंट्रेंस पता होगा, घुस गए और वो ऐसा बैठा था शैस्त्र खान, सीधा तलवार मारी तो उंगलियां ही काट डाली शैस्त्र खान, शैस्त्र खान भाग गया, बोले भाई ये तो गड़बड़ हो गई, उंगलियां काट दी और कुछ नहीं, इसका रिले उनके रिलेटिव थे वो शैस्त्र खान, औरंगजेब के चाचा है कोई, तो भी उनके उंगलियां काट दी थी शिवाजी महाराज, वो भी जाने का सोच नहीं रहा था, बोले जानदेव भाई अब नहीं जाता। फिर शिवाजी महाराज के साथ अब क्या हुआ कि इसने बहुत बड़ी आर्मी भेजी मुगल ने और शिवाजी महाराज पे अटैक किया, अटैक जब हुआ तो शिवाजी महाराज को सरेंडर करना पड़ा। देखो कभी कभी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, शिवाजी महाराज ने सरेंडर किया। शिवाजी महाराज को बोलने के बाद औरंगजेब ने बोला कि एक ट्रीटी साइन की जाएगी आपके साथ, ट्रीटी साइन करने मैं नहीं आऊंगा, मेरे तरफ से राजा जयसिंह आएंगे और आप दोनों के बीच में ट्रीटी होगी, ट्रीटी में आपको कुछ जो किले हमारे थे जो आप जीत रहे थे हमारा क्लेम है उसमें हमें वापस दे देंगे। शिवाजी महाराज ने अपने किले वापस दिए और बाद में लिए भी, पहले दे देने क्या ये रख लो भैया ठीक है, और बोले मेरे से मिलने आना आगरा में, बोले ठीक है आ जाऊंगा, आ जाएंगे मिलने। ये आए मिलने,
शिवाजी महाराज आगरा गए औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब ने उन्हें बहुत दूर खड़ा रखा नॉर्मल लोगों में, बहुत बड़ी प्रोग्राम में उनको बुलाने के बाद शिवाजी महाराज को महाराज की तरह ट्रीट नहीं किया। शिवाजी महाराज को इसका बहुत बुरा लगा। शिवाजी महाराज ने बोला कि ये ठीक नहीं है जो भी आप हमारे साथ कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, हमें आपने इंसल्ट किया। और शिवाजी महाराज नाराज होके निकल गए थे। औरंगजेब ने बोला कहाँ, बोले निकलते हैं, बोले कैद कर लो इनको। शिवाजी महाराज कैद शिवाजी महाराज कैद हो गए और उनके साथ उनके बेटे भी गए थे संभाजी राजे, दोनों कैद। अब कैद हो गए, निकलना कैसे, हाउस अरेस्ट में रखा था। शिवाजी महाराज ने बहाना मारा, शिवाजी महाराज बोले मैं थोड़ा बीमार फील कर रहा हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ कुछ दिन। औरंगजेब ने बोला नजर रखो इन पे, करने दो आराम, करो आराम। बोले कुछ डिमांड होंगी तो, बोले हाँ एक चीज है, मेरे यहाँ के लोगों की मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बेचारे क्या कर रहे होंगे, उनका राजा यहाँ पे है, कैसा चल रहा होगा मेरा राज्य, उनको खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको फल भेजे जाए, मेरे लोगों को आप फल भेजो, कुछ तो मिले मेरे लोगों को, मुझे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो बोले ठीक है फल भेजे जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, इतनी रिक्वेस्ट मेरी पूरी कर दो। अब फल टोकरियों में जाते थे और रोज फल की टोकरियाँ चेक होती थी। शिवाजी महाराज बेड रिडन दिखा दिए, उन्होंने मस्त ओढ़ ओढ़ के आराम करते थे और सिर्फ फलों पे नजर रखते थे, चेकिंग हो रही हो रही हो रही। एक टाइम बाद जो चेकिंग वाला बोले भाई कुछ नहीं है ना, ये क्या है रोज रोज फल चेक कर रहे, जान दे। वो भी ऐसे आराम से लेते थे, ठीक है जा, बोले जा जा, ऐसा चलने लगा। शिवाजी महाराज ने, उनके साथ वाला एक था, वो बोले कि शिवाजी महाराज मैं आपके जगह लेट जाता हूँ, आप निकल जाओ। शिवाजी महाराज एक टोकरी में, संभाजी महाराज एक टोकरी में, फल के जगह ये दोनों। और उस वक्त अच्छा हुआ चेकिंग हुई नहीं, चेकिंग हुई रहती तो औरंगजेब ने दोनों को वही काट दिया रहता पकड़ के, क्योंकि कैद में थे ये दोनों, लड़ाई तो होना ही पॉसिबल नहीं था। अब दोनों निकले कैद से, फल की टोकरी पास हो गई, दोनों बाहर। और वो जो नजर रखने वाले थे उनको दिख रहा शिवाजी महाराज लेटे हुए, बाद में उसको मार डाला औरंगजेब ने जो लेटा हुआ था उसको, क्योंकि उसने धोखा किया ऐसा कहा गया, तो वो मर गया। बट शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज बाहर, और मुगल के ऊपर एक लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ सालेत 1672 में, और शिवाजी महाराज ने मुगल को हराया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने बोला अब समय आ चुका है कि मैं अपना राज्य अभिषेक करूंगा, एंड शिवाजी महाराज क्राउन एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा छत्रपति इन 1674 एट रायगढ़ फोर्ट। ही डाइड इन 1680 एट द एज ऑफ 50, उनकी डेथ हो गई, यानी 50-52 की एज थी। अब कई पे इयर्स का कुछ है तो 50 साल फिर भी महाराष्ट्र के हिसाब से अपन पता करके चलते, 1630 में जन्म। और यहाँ डेथ, शिवाजी महाराज की डेथ हुई। बट शिवाजी महाराज की एक और कहानी है, वो है किला है, वो सिंहगढ़ का किला, जिसका पहले नाम था कोंडाना। कोंडाना पे चढ़ाई करने वाली तो कहानी अलग ही है, कोंडाना पे चढ़ाई करनी थी, इसके लिए सिलेक्ट किया गया था तानाजी मालुसरे, बोले मैं जाऊंगा। बट तानाजी के बेटे की शादी थी रायबा की, तो सबने बोला कि आप फिलहाल मत जाइए। चीजा माता ने भी बोला कि आप मत जाइए फिलहाल, बेटे की शादी है, देखिए थोड़ी अटेंड कर लीजिए, बाद में किसी और को भेज देते हो। बोले मैं ही जाऊंगा। तब उन्होंने बोला था आदि लगिन कोंडान्याच मंगस आपल्या रायबाच, रायबा की शादी उन्होंने अटेंड नहीं की, फिर वापिस भी नहीं आ पाए। सिंहगढ़ पे गए तो कोंडाना किला पे, कोंडाना किले पे उन्होंने तो चढ़ाई कर ली, और चढ़ाई करने के बाद ये लोग जीत गए। और जीतने के बाद ऊपर उनके लड़ते लड़ते डेथ हो गई, वो और उनके भाई गए थे। डेथ होने के बाद फिर शिवाजी महाराज को बहुत बुरा भी लगा उसने, इसलिए शिवाजी महाराज ने बोला आज से ये किला सिंहगढ़ नाम से जाना जाएगा, क्योंकि गढ़ आला पन सिंह गेला। उनके आर्मी में जो सिंह था एक लायन, उसकी डेथ हो गई थी। ये है शिवाजी महाराज के डेथ के पीछे बहुत अलग अलग ये है। कोई कहता है उनको डेथ से पहले खून की उल्टियाँ हुई थी, या फिर खून हो सकता है कि कैंसर होगा, या पता नहीं, बहुत यंग एज में थे। कोई कहता है कार्डियक अरेस्ट होगा, कोई कहता है कुछ तकलीफें उनको हो रही थी, चीज़ें सता रही थी, उसके कारण भी उनकी डेथ हुई। कुछ लोगों ने कहा कि शिवाजी महाराज जो भी थे वो सिर्फ उनके लोगों के कारण थे, ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनके लोग बहुत लॉयल थे। जब भी वो कहीं फंसे तो लोगों ने अपनी जान देके उनको निकाला, चाहे वो बाजी प्रभु देशपांडे हो, चाहे वो व्यक्ति हो जो शिवाजी महाराज के जगह लेट गया था वहां औरंगजेब के दरबार, वो हाउस अरेस्ट। तो कहीं ना कहीं उनको बचाते रहा। और आज शिवाजी अगर जिंदा है तो वो उन लोगों के कारण जिन्होंने अपनी जान दी, तो इतने लॉयल लोग उनको नहीं मिले। तो उनको यही बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे कितने लोग गए इन सब चीजों के पीछे,
चीज़ें सता रही थी, उनकी थोड़ी हेल्थ डाउन होने लगी ऐसे कुछ लोग कहते हैं, और अचानक से उनको हार्ट अटैक जैसी चीज़ें होने लगी, कार्डियक अरेस्ट, और उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद एक चीज़ तो थी कि शिवाजी महाराज अपना एम्पायर बना चुके थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। शिवाजी महाराज के इसमें जो लोग रहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, इतना बता देता हूँ, वहाँ पर टेरिटरी को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, प्रांत, प्रोविंसेस को प्रांत कहते हैं, और उसको परगना या तरफ में फिर और बांटा गया था। शिवाजी की वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और नेवी थी, नेवी फादर ऑफ इंडियन नेवी है शिवाजी महाराज, नेवी बनाई थी उन्होंने, पानी पे भी किले इनके शिवाजी महाराज के, सिलादार करके हैं जो ये संभालते थे, आर्मी वॉज कॉल्ड पग, आर्मी को पग कहते थे, और इनको संभालने वाले सिलादार, हवलदार जो है वो सुपरवाइज हवलदार करते थे, सैलरी कैश में दी जाती थी रेगुलरली सोल्जर्स को, कुछ चीज जो है उनको सरंजम दिया जाता था, रेवेन्यू ग्रांट्स, आपको बताया जैसे वो जागीरदारी देते थे वैसे लोग उसे सरंजम कहते थे, वो भी देते थे। जागीरदारी कौन देता था? मनसबदारी, जागीरदारी मुगल्स, वैसे ये लोग सरंजम देते। ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको अष्ट प्रधान मंडल कहते हैं, शिवाजी महाराज का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। शिवाजी महाराज के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसमें पेशवा मुख्य प्रधान रहा करता था। 8 लोग थे शिवाजी के, दूसरा सेनापति जिसको सरे नौबत कहते थे, जो सेनापति था वो मिलिट्री का कमांडर था, पेशवा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल था, प्रशासन देखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता था पेशवा, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री सेनापति देखता था, मुजुमदार यानी अमात्य मजुमदार ये अकाउंटेंट जनरल था, वाकेनविस जो है ये मंत्री रहते थे, इंटेलिजेंस पोस्ट हाउस होल्ड अफेयर्स देखता था, सचिव यानी सरनविस, करस्पॉन्डेंस यानी राजा के साथ जो सचिव होते हैं आज जैसे आपके साथ सेक्रेटरी होते हैं वैसा, दबीर था जो फॉरेन मिनिस्ट्री देखता था, मास्टर ऑफ सेरेमनीज सुमन भी कहते थे, न्यायाधीश जस्टिस के लिए रखे हुए थे आज भी होते हैं, पंडित राव यानी सदर जो कि हाई प्रिस्ट थे जो मैनेज करते थे रिलीजियस चीजें प्रिस्ट में, ये थे पंडित राव। शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक था तो कोई करने को रेडी नहीं था, पंडित के हाथ ही किया जाता था, ब्राह्मण ने बोला हम नहीं कर सकते, उसमें से एक ब्राह्मण माने थे पंडित गागा भट्ट, उन्होंने किया था उनका राज्याभिषेक, उन्होंने बोला कि ये कौन है, मराठा कौन होते हैं, क्षत्रिय राज्य को क्षत्रिय को दिया जाता है, ब्राह्मण तो हम उनका राज्याभिषेक करते हैं, आप कौन, आपका ये क्या है एग्जिस्टेंस, कोई रेडी नहीं था, बट रेडी हुए वो थे, और मराठाओं का नाम आज इतने ऊपर कैसे पहुंचा, स्टेटस शिवाजी महाराज, स्टेटस इतने ऊपर लेके गए मराठाओं, तो यही सब चीजें रही है। और देखा गया तो रेवेन्यू शिवाजी महाराज, आपको शिवाजी महाराज की एक बात बताता हूँ, शिवाजी महाराज को रेवेन्यू तो कलेक्ट करते थे रेगुलर बेसिस पे, जैसे मलिक अंबर करता था वैसे ही करते थे, लैंड को मेजर करते थे एक रॉड को लेके जिसको काठी कहते हैं, आज आप जैसे टेप लेके मेजर करते हैं ना, काठी काठी रख के मेजर करते, और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस, डिस्करेज रेवेन्यू फार्मिंग यानी फार्मिंग और इस पे ज्यादा नहीं लगाएंगे, बट 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू लोगों से लेते थे, बोलते थे आजू बाजू वालों को कि हमको 1/4 भेजना अपने कमाई में से, वो बोले नहीं भेजता हम आप पे रेड करेंगे, मराठा ऐसे करते थे, जैसा मेरे बाजू वाला जो रूलर है मैं उसको बोलूंगा मेरे को तेरे इसमें से 1/4 भेज देगा, नहीं भेजा तो तेरे ऊपर रेड डालूंगा मैं और चुरा के लाऊंगा, सूरत पे डाली थी, सूरत लूटा था शिवाजी महाराज ने, पता है आपको, सूरत जो लूट के लाया था ना मराठाओं ने, उसमें एक रानी को भी लेके आए थे, सूरत की रानी लूटने गए थे सूरत का खजाना और रानी को भी लेके आए, एक पेटिया की पेटियां खुल रही थी, एक पेटी में से सीधा लड़की बाहर निकली, शिवाजी महाराज बोले क्या है ये, हाँ ये क्या मजाक है, मैंने आपको बोला कि ये लेके आओ खजाना, आप तो ये लेके आ गए, बोले बहुत अच्छी रानी थी तुले ये यानी क्या है ये शिवाजी महाराज, वो और बड़ी निकली, उसके तो अलग ही किस्से है, वो बाहर निकले बोले आप शिवाजी महाराज हो आप, बोले हाँ क्या क्यों यानी कुछ लग नहीं रहा, बोले शिवाजी महाराज आपका इतना नाम सुना है, इतना कितने ब्रेव हो ये, ऐसा देख के लगता नहीं आपको कि आप इतने नहीं, इतनी हाइट नहीं कुछ नहीं एकदम, शिवाजी महाराज कैसे क्या हो सकते हो आप, तो यानी उसने क्योंकि वो जो थी वो मुस्लिम थी तो उसमें उनमें कैसे कि थोड़े हाइट वाले लोग रहा करते थे, बहुत पूरी वैसे हेल्दी
उसको वही इमेजिन होता होगा, शिवाजी महाराज भी वैसे होंगे, शिवाजी महाराज की हाइट बहुत कम थी, 5'2" 5'3" के आसपास हाइट थी छोटी सी, बट अक्कल बड़ी या भैंस ये आपको पता है शिवाजी महाराज प्रूव्ड इट। फिर शिवाजी महाराज ने बोला कि इनको जिस तरह से लाया है, उन्होंने बोला भी था अगर हमारे घर वाले इतने ये होते तो हम भी वैसे ही होते, जैसे मिले वैसे है भाई, डिपेंड करता है ना पूर्वज कैसे थे, क्या हाइट सिलेक्ट करनी पड़ती है कितनी हो ना 5'10" उसके ऊपर ही सबने ली रहती है, ऑप्शन रहते तो ये सब आपके हाथ में नहीं होता। अब ये हुआ, फिर शिवाजी महाराज ने बोला कि हमारे यहाँ लड़कियों का बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है, इनको रानी की तरह वापस भेज दिया जाए, तो रानी जैसा रेस्पेक्ट के साथ उनको वापस भेजा था शिवाजी महाराज ने, उनको वहाँ पे ट्रीट ऐसा ही किया था रानी की तरह, बाकी ऐसा कुछ नहीं किया, तो लड़कियों का बहुत रेस्पेक्ट करते थे राजे, ऐसी बातें थी। सर देशमुख की लगाई जाती थी 10%, ये लग देना ही पड़ता था, मराठा बोलते थे वो जो लैंड है ना वो हमारी थी आपने लिया आज, बोले फिर तो क्या आपने भी हमारी ली है, बोले वो नहीं पता वो आपने जो हमारी लैंड ली है ना उस लैंड में का 10% हिस्सा भेजने का, बोले नहीं भेजा तो अटैक ऐसा था, इसको कहते थे सर देशमुख, एक्स्ट्रा के और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, पैसा क्यों कलेक्ट इतना करते थे क्योंकि राज्य चलाना था, डेवलप करना था ना, जीरो से शुरू हुए थे लोग, उतना करते थे, और पावर ऑफ देशमुख और कुलकर्णी जो थे वो कम हो गई थी, ये लोग लोगों को लूटते थे इसके नाम पे, कलेक्शन के नाम, इनको कम करके शिवाजी महाराज ने अपने लोग रखे थे, तो ऑफिसर कारकुन रखे थे, कारकुन ये लोग संभालते थे। शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला और बाद में उनकी डेथ हुई, और डेथ के बाद संभाजी आए, संभाजी ज़्यादा दिन रह नहीं पाए, संभाजी की बात की जाए तो 1689 में उनको औरंगजेब ने मार दिया, औरंगजेब ने संभाजी को मार दिया ट्रीटी के अनुसार, पुरंदर की जो ट्रीटी थी ना, देखो जय राजा जय सिंह, पुरंदर की ट्रीटी शिवाजी महाराज के बीच में और है ना, औरंगजेब ने भेजा था ना, भूल गए इतने जल्दी उसके, अभी तो है ये क्या है, इसमें तो बोला था कि आगरा में आके मिलो मुझसे और पूरे किले दे दो अपने इतने जल्दी तो फिर क्या हुआ, शिवाजी महाराज उस ट्रीटी में ये भी लिखा था कि आपके जो बेटे हैं ना संभाजी, उनको मनसबदार बनाया जाएगा मुगल का, ऑफिसर, वो ऑफिसर बने थे मुगल के, His rule was largely shaped by Maratha kingdom, और बाकी सब चल ही रहा था। 1687 में battle of Wai हुआ, he defeated Mughal forces. Wai में उन्होंने मुगल को हराया संभाजी ने। 89 में संभाजी को कैप्चर किया औरंगजेब ने, बोले हमको हराता है पकड़ो इसको, कैप्चर किया और काट डाला संभाजी खत्म। संभाजी को मारने के बाद अब शुरू हुआ, अब नेक्स्ट छत्रपति बनेगा कौन, ये सब में ही चलता है, सब में। इसमें लड़ाई थी, लड़ाई बताता हूँ और फिर हम रुकेंगे बस 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट 5 मिनट समझ लो, अभी 5 मिनट तो आगे हुए हैं, 11:30 बजे ख़त्म करने वाला था शिवाजी महाराज की है इतनी कहानियाँ, बहुत सारी है। अब क्या हुआ, शाहजी राजे जो है, संभाजी राजे की डेथ हो गई, संभाजी राजे की डेथ के बाद ही वॉज सक्सीडेड बाई इज ब्रदर राजा राम फर्स्ट। अब देखो शिवाजी के बेटे संभाजी, ठीक है, संभाजी के और दूसरे राजा राम, फर्स्ट राजा राम की वाइफ ताराबाई, ये क्यों लिख रहा, इनकी वाइफ का कोई यहां पे रोल नहीं, रोल है ताराबाई का, इनके बेटे छत्रपति शाहू, इनके बेटे शिवाजी सेकंड। अब देखो खेल, शिवाजी की डेथ, संभाजी किंग, क्योंकि संभाजी बड़े बेटे, संभाजी की डेथ, अब कौन बनेगा, अब राजा राम बनेंगे, राजा राम बन गए, राजा राम कैद हो गए, औरंगजेब ने कैद कर लिया राजा राम को, अब कौन बनेगा, ये या ये, बड़े थे शाहू, शाहू बोले मैं,
ताराबाई बोले आप नहीं मेरा बेटा शिवाजी सेकेंड। शाहू बोले छोटा है कुछ नहीं होता, बोले बहुत छोटे छोटे रूलर रहे हैं, मैं उनकी रीजेंट बनूंगी। शिवाजी महाराज भी तो छोटे थे, जीजाबाई ने संभाले। अकबर भी छोटा था, बैरम खान ने संभाले, सभी लोग छोटे छोटे थे तो संभाले तो गए ना। तो राजाराम नहीं थे तो ताराबाई संभाले की रूल किसके तरफ से मंजूर नहीं था शाहू महाराज, शाहू को लड़ाई चाची और भतीजे में, बैटल ऑफ खेड़ बिटवीन चाची एंड भतीजा। इमेजिन आपकी चाची खड़ी आपके सामने हथियार ले, रुक बोले रुको बोले चाची आज आपको मैं खत्म करता। तो चाची और भतीजी के बीच में लड़ाई शाहू वर्सेस ताराबाई, इसको कहा जाता है बैटल ऑफ खेड़। इसमें जीते कौन? शाहू। शाहू बने नेक्स्ट छत्रपति। शाहू को दिए दिया गया सातारा, बढ़ गया मराठा किंगडम, और ताराबाई को दे दिया कोल्हापुर। आप कोल्हापुर संभालो, आप सातारा संभालो, और सातारा पे बैठते थे छत्रपति। शाहू बिकेम नेक्स्ट छत्रपति एंड कोल्हापुर जो है वो ताराबाई के हाथ में है। शिवाजी सेकंड और ताराबाई मिलकर कोल्हापुर संभालते थे, इसलिए नेक्स्ट छत्रपति शाहू। हाँ, जिनके वक्त पेशवा आया, फिर आया पेशवा। अब यहां से अपन आगे पढ़ेंगे मॉडर्न में। अब इसमें सिर्फ एक चीज बता देता हूं, ये जो शाहू थे, शाहू ने क्या किया? शाहू बोले मेरे को डायरेक्ट रूल नहीं करना। शाहू के वक्त एक पेशवा था जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव के फादर। बाजीराव मूवी देखी होंगे आपने, बाजीराव मस्त है, उसमें बालाजी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बेटे। अब बालाजी विश्वनाथ की, विश्वनाथ जो थे पेशवा, पेशवा यानी क्या संभालता था? फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने बोला कि तू सब संभाल, मैं आराम से यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ। ये प्रेसिडेंट जो सातारा में बैठते थे और रूल संभालता था बालाजी विश्वनाथ, प्राइम मिनिस्टर, ये बन गया पेशवा, फर्स्ट पेशवा। यहां से शुरुआत हुई चीजों की, और ये जब बना फिर इसका बेटा, यहां से शुरू होती मराठा कॉन्फेडरेसी। अगला बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव फर्स्ट और ये सब आगे पढ़ेंगे आप। फिर पूरा मराठा बट गया, ग्वालियर पे सिंधिया, इंदौर में होलकर, धार में पवार, वडोदरा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, पूना में पेशवा, ये पूरे अलग हुए। अब हर जगह लड़ाइयां होगी आगे। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान मंडल है ना, उसका पेशवा था पहले, अब पेशवा उन सबका हेड बन गया। वो तो था ही, बट उसका राइट हैंड समझ जाओ छत्रपति का। निर्णय लेगा पेशवा, सिर्फ बातचीत, सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करके किसके साथ? ऊपर छत्रपति के साथ। छत्रपति अब बीच में नहीं आएंगे। हाँ, शिवाजी महाराज कैसे खुद से आते थे, छत्रपति खुद से नहीं आते थे, यहाँ शाहू से। फिर तो छत्रपति आना ही बंद हो गए। फिर बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव फर्स्ट, सबसे पावरफुल पेशवा, मराठा किंगडम सबसे ऊपर जो था ना वो इसके वक्त, एक भी वॉर नहीं हारा है, बात करके हराता था, डेंजर व्यक्ति था, सीधा आके पहले बात करता था, हार मान रहा है कि करू लड़ाई, बोले कर बोले हार मान ली, ले ले मेरा किंगडम भाई तू, सिर्फ हराता था एक एक से नहीं हारे बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट जो थे, बाजीराव फर्स्ट ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे। और बाजीराव फर्स्ट का सिर्फ एक बात बता के मैं यहाँ पे अब लेक्चर रोकेंगे, ये तो हमें आगे पढ़ना है इसलिए मैं यहाँ पे रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपका यहाँ से आएगा उधर एंग्लो मराठा वॉर के तरफ, वहां पे एंड पढ़ेंगे मराठा का, अभी मराठा का एंड नहीं पढ़ेंगे। अब आपको बताता हूँ एक सिर्फ चीज, ये लिखा हुआ है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मूवी में दिखाया है, दिस इज ट्रू। कि जब ये चुनाव चलते थे ना तो बारह भाई, या फिर हम कहेंगे कि ये जो लोग थे महल में, वो डिसाइड करते थे नेक्स्ट पेशवा कौन बने। कहा गया था कि पेशवा का बेटा ही पेशवा बनना चाहिए वैसे, बट पेशवा के भी काफी बेटे, तो कौन बनेगा पेशवा? और एक ने ये किया था उस पर, कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशवा का बेटा पेशवा बनेगा, अगर पेशवा का बेटा है, बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई है, तो वो प्रूव करना चाहिए उसने कि वो भी पावरफुल है, तभी उसको पेशवा बनाएंगे, उसने परीक्षा देनी चाहिए, परीक्षा दो। उस वक्त मोरपंख वाली जो कहानी ना, दैट इज ट्रू। एक मोरपंख डाला था, बोले मार इस पे तीर, दो टुकड़े करके दिखा बोले इस मोरपंख के, पेशवा को। पेशवा ने निकाला तीर और मोरपंख पे मारा सीधा, और मोरपंख जमीन में डाला हुआ था, जमीन में
मोरपंख डाला रहेगा, तो जमीन पे उसका तीर यहाँ पे लगा के, मोरपंख पे नहीं लगा। तो लोगों ने बोला कि ये व्यक्ति पेशवा बनेगा। अब छत्रपति को डिसाइड करना था क्या है, तो इसने तो मोरपंख तोड़ा भी नहीं दो हिस्सों में। तो उसने बोला बालाजी, इसने बाजीराव ने वो सिर्फ मोरपंख को उठाओ बोले ऊपर, जब उठाया और अब जमीन के वो मिट्टी हटाओ, तो एक टुकड़ा नीचे था और एक पूरा मोरपंख ऊपर था। बोले ये तो तोड़ दिया इसने दो टुकड़ों में इसको, इसने इसका ये था टैक्टिक, ये था सिर्फ टेक्निक वॉर की, पर उसकी स्ट्रेटेजी देखो वो भी उसने दिखाई। उसने बोला बाजीराव ने, ये जो मोरपंख दिख रहा है इस पे हमें अटैक नहीं करने है, हमें अटैक करने इस पे जड़ पे, जब इसको जड़ से मारा जाएगा ना तब ये खत्म होगा ऊपर का, और इसकी जड़ बैठी है दिल्ली में, हम अटैक करेंगे दिल्ली पे। ये स्ट्रेटेजी थी इसकी कि कोई भी चीज को ऊपर से नहीं तोड़ते हैं, जड़ से तोड़ते हैं। इसीलिए छत्रपति को ये पसंद आया इसकी स्ट्रेटेजी और वॉर की टेक्निक, बोले इसको बना डालो अगला पेशवा। और फिर उसने शुरू कर दिया, निजाम को उसके साथ तो ट्रीटी कर दी बिना वॉर के, सिर्फ जाके झूठ बोला था निजाम को। आगे आप वो भी पढ़ोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है मॉडर्न में आने वाले लोग, निजाम पूरे। निजाम को जाके बोले उधर मेरी बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है, बोले ट्रीटी साइन कर रहा कि लेके आओ पूरी आर्मी बता, पर पूरा कॉन्फिडेंस से जाना पड़ता है झूठ बोलने। झूठ बोलते हो तो आप लड़खड़ा गए कि आप खत्म हो, कॉन्फिडेंस से बोलना, आंख में आंख डाल के झूठ बोलना पड़ता है। आंख में आंख डाल के झूठ बोला, पास जाके बोले आर्मी से अब भी वॉर करता, बोले तेरे पे कर साइन, तो उसने कर दी, ठीक है बोले समझौता। और फिर वो गाना आता ना मल्हारी, जीत हो गई थी उनकी, बिना वॉर की जीत थी वो। ऐसा बहुत कुछ है इसके, वो मस्तानी वाली कहानी हो जाने दो, वो तो सिर्फ एक नॉवेल में लिखी है, वो नहीं पता, राव नाम की नॉवेल है उसमें मस्तानी है, और मस्तानी का नाम हमेशा इससे जोड़ा जाता है, जैसे जिससे शादी नहीं हुई या जो वाइफ नहीं थी उससे ज्यादातर जुड़े हैं, राधा का कृष्ण से, मस्तानी का बाजीराव से। उसके वाइफ का तो नाम जोड़, काशीबाई का नाम नहीं आएगा बट मस्तानी का, रुक्मिणी का नाम नहीं आएगा बट राधा का आएगा, ऐसा रहता है। चलो जो भी है सही है। अब अपन क्या कर सकते, मस्तानी नाम की एक डिश भी मिलती, डिश भी है मस्तानी। और ये जो है, और ये जो है ना, ये बहुत अच्छी डिश है मस्तानी, आप खाओगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगा, आइसक्रीम टाइप की रहती है मस्तानी वाली, नागपुर में भी मिलती है। तो ये जो है ना बाजीराव, ये पेशवा लोग ये बैठते थे शनिवार वाड़ा में, शनिवार वाड़ा वाज द पैलेस ऑफ पेशवा, उसको पूरा साफ कर दिया ब्रिटिश ने, खंडर बना डाला शनिवार वाड़ा को, एंग्लो मराठा वॉर पूरा जला डाला, खत्म, बोले कहाँ पे रहना है आपको, आज कुछ भी नहीं है, खंडर है शनिवार वाड़ा। एक टाइम पे आप इमेजिन करो कैसा रहा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, आपके प्रेजेंटेशंस आप देंगे और आपके मिडिवल को यहाँ पे रोकता हूँ, बट एक चीज बता दूं, सेकंड थर्ड एंड थर्ड पानीपत की लड़ाई हमने पढ़ी नहीं है, हम उसको मॉडर्न के वक्त पढ़ने वाले हैं क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर के वक्त हुआ है, तब आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके जो जो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स है तो मुझे दिए जाए। अरे वो उसका कॉल फिर हो गया था क्या, बोल बात करिश्मा सौरभ, एक ये लोग तुम